हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं होता तो मैं भी ठीक हूँ। चलिए सर, आज से हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक चैप्टर डाल रखा था, लेटस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आज हम नई सीरीज को उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर उठाएंगे अपने सीक्वेंस में, दैट इज नोन एज द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। सर, जैसा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 6 नंबर का चैप्टर हमने कवर कर लिया था विद क्वेश्चन। सर, रिवीजन सीरीज में क्या क्या होने वाला है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम डील करने वाले हैं कंसेप्ट जो हम 1.5 डेज के मैंने समरी नोट्स बनाया था, प्लस हम उस कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस फील करेगा आपको एग्जामिनेशन टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर, चैप्टर का नाम क्या है? द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। ठीक है, एक बार मैं इस पेन को पतला कर लूँ। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। सर, ये क्या है? सर, दिस इज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्वेश्चन बन सकता है सर, ये क्या होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? मतलब सर, मतलब दो लोग में झगड़ा हुआ, झगड़ा सुलझाने के सबसे पहले वो जा सकते हैं कोर्ट, कोर्ट जा सकते हैं, बट कोर्ट नहीं जाके ये कहाँ आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन के पास आ रहे हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट आ रहे हैं, इसलिए बोला गया कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। आप खेलने के लिए स्टेडियम जा सकते हो, बट खेलने के लिए अल्टरनेट वे में अपने घर में भी क्रिकेट लगा खेल सकते हो। तो एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्व करने का, सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्व होता है, डिस्प्यूट रिजोल्व होता है। ठीक है, बट ये क्या है अल्टरनेट तरीका। पहला तरीका क्या बोला कि कोर्ट जाओ। ठीक है, दिस एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, टू ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन। मेडिएशन ज्यादा पढ़ना नहीं है, कंसीलिएशन पढ़ना अभी देखेंगे हम। आर्बिट्रेशन मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट। कीवर्ड याद चाहिए, सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट। एक आर्बिट्रेटर आएगा, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होगा, उसको सेटलमेंट करेगा। ठीक है, दो कॉमन मेथड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन। परफेक्ट सर, आर्बिट्रेशन होता क्या है? सर, इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, प्रोवाइड्स सेटलमेंट अमंग पार्टीज। सर, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर आता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, बायस होता है। यहाँ पे आप अपनी जगह आप चूज कर सकते हो, अपना प्लेस आप चूज कर सकते हो। ठीक है सर, प्लेस टाइम जो भी नहीं, मेरा टाइम, मेरा प्लेस, मेरा समय सब मेरा रहेगा, इसलिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। बट सर, मान लो कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट बोले कि मैं आज नहीं आऊंगा, मैं 20 तारीख को आऊंगा, कोर्ट बोलेगा पागल है, कोर्ट कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, कोर्ट अपने हिसाब चलता है। बट आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन अपने हिसाब से नहीं चलता, उसको आप अपने हिसाब से चला सकते हो। आप दो बंदे के बीच में डिस्प्यूट हुआ, आपने थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया एज एन आर्बिट्रेटर, इसको बता रहे हो देखो 20 तारीख को हम आएंगे और हमारा प्लेस रहेगा द पार्क होटल। ठीक है, कोई प्लेस है द पार्क होटल या ललित होटल या कोई भी प्लेस आप मान लो। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, प्रोवाइड सेटलमेंट देता है। ठीक है सर, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट लगने वाला है क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर हमेशा हाई कॉस्ट होता है। हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, जहां पे कोर्ट को हल्ला होने मतलब मम्मी को पता चल जाना चाहिए, मतलब पूरे खानदान को पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो कोर्ट को हल्ला कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट का चक्कर नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को हल्ला मतलब न्यूज़पेपर में हल्ला, न्यूज़पेपर में हल्ला मतलब आपकी रेपुटेशन खराब। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, आप जब भी टाइम फिक्स कर लीजिए, अपना प्लेस फिक्स कर लीजिए, यू आर फ्लेक्सिबल टू व्हाट एवर यू डिसाइडेड एट टाइम और प्लेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आर्बिट्रेशन के भी डिसएडवांटेजेस है क्या, इम्बैलेंस बिटवीन पार्टी। अब भाई वो हाँ बोल रहा है, वो ना बोल रहा है, वो टाइम फिक्स कर रहा है, बस इसी बीच करते करते आर्बिट्रेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि जहां पर हमें पता है ना कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, कोर्ट थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस दिखाता है, स्ट्रिक्टनेस दिखाता है, तो वहां पर हम बातें मानते हैं, जैसे नहीं चाबुक लेके मारते हैं वहां बातें मानते हैं, बट हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं तो कोर्ट भी ढीला, आर्बिट्रेशन भी ढीला पड़ जाता है, तो भाई एक इम्बैलेंस बन जाता है पार्टीज बीच में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई दोनों चीज सेम ही है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, वो 18 को बुला रहा है, वो 20 को बुला रहा है, आर्बिट्रेशन बिचारा बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट, याद रखना इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे प्लेस टाइम फिक्स आप कर सकते हो, बट कोर्ट में आप प्लेस टाइम फिक्स नहीं कर सकते प्रॉपर। चलो सर, बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, सर ऐसे एग्जाम में आएगा व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, बिल्कुल नहीं, कान खुले खुल लेना। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, बट इसमें क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्या होगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए इन रिटेन फॉर्म। यहाँ पे आया की पॉइंट, क्या सर, रिटेन फॉर्म, कॉल पे बोल के आर्बिट्रेशन चल रहा है, आर्बिट्रेशन करना है नहीं, लिख के देना होगा आर्बिट्रेशन, दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, मान लो इस दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब ये कॉल लगा के बोले कि भाई हम आर्बिट्रेशन करेंगे, नहीं, आर्बिट्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, लिख के। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बोथ द पार्टी प्रोसीड्स टू आर्बिट्रेशन रादर देन गोइंग कोर्ट, और लिखा होना चाहिए कि हम भाई मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों कहाँ जाने वाले हैं, दोनों जाने वाले हैं आर्बिट्रेशन में, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम दोनों रजामंदी कर रहे हैं, दोनों ने हाँ बोला, दोनों ने मान लिया, हम दोनों में से कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, दोनों दोनों ने माना, देखो बोथ दी पार्टीज की वर्ड है इसमें। बोला इस नोट्स को प्लीज, मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करो, इस नोट्स को प्लीज कलरफुल निकाल कर पढ़ लो भाई, मैंने पीडीएफ डाल रखा है, कलरफुल निकालना, ब्लैक एंड व्हाइट मजा नहीं आएगा इस नोट्स का। ऑलरेडी मैंने सारे बुक्स डिस्पैच कर दिए जिन्होंने नोट्स मांगा था, सर कलरफुल पढ़ो, आप ही प्रिंट निकलवा लो या ऑर्डर कर दो, नोट्स को कलरफुल पढ़ना। ठीक है,
प्रोसीड्स टू आर्बिट्रेशन रैदर देन गोइंग टू कोर्ट। ठीक है, हमने लिख दिया बोर्ड ऑफ पार्टी से, मान लिया कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन जाने वाले हैं सर। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? पार्टी ऑटोनॉमी सर, पार्टी ऑटोनॉमी इज जस्ट सेम एज द फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब सर बोथ द पार्टीज हैव राइट टू चूज देयर आर्बिट्रेटर, राइट टू चूज द प्लेस। देखो आर्बिट्रेशन गिव द चॉइस टू बोथ द पार्टीज टू चूज द आर्बिट्रेटर, पार्टी ऑटोनॉमी है। ये ए चाहता है कि मेरा आर्बिट्रेटर मिस्टर राजू चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये बी चाहता है मेरी आर्बिटर मिसेस सी सी एस हो, सी एस ए प्रैक्टिस हो। तो ये दोनों अपना आर्बिट्रेटर चॉइस कर सकता है। हम देखेंगे कितने आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल है तो पार्टी ऑटोनॉमी है, ठीक है, ये सब फीचर्स है, क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है सर इसमें? मान लो ए और बी, देखो ये ए और बी चलूंगा, ए और बी ने सी को अपॉइंट किया। अब ये सी हल्ला नहीं कर सकता कि ए और बी में डिस्प्यूट हुआ है। मान लो कोई डिस्प्यूट था टायर्स को लेके, ए ने बोला कि बी को टायर्स देंगे, कोई डिस्प्यूट आ गया टायर की क्वालिटी में। अब ए और बी कहाँ जा रहे हैं? आर्बिट्रेशन जा रहे हैं। सी अपॉइंट हुआ, सी अब हल्ला नहीं करेगा कि भाई ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, अदरवाइज गुडविल पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए लोग ज्यादातर अब कोर्ट छोड़ के आर्बिट्रेशन जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हल्ला नहीं होता, गुल्ला नहीं होता, आराम से लोग बैठ के अपना रजामंदी करके डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि कोर्ट में जाने मतलब होगा अभी गुडविल खराब, और एक बार गुडविल खराब हो गई आपकी तो भैया ये इंडिया है, यहाँ पे दोबारा गुडविल बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बना रहता है। वेयर डिसाइडिंग और गोइंग आर्बिट्रेशन इज प्राइवेट एंड कीप कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट मेथड इसलिए बोला गया इज प्राइवेट भी रहता है और कॉन्फिडेंशियल रहता है। आर्बिट्रल अवार्ड सर, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? मान लो ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, उसने सी को अपॉइंट किया। अब सी ने जो डिसीजन दिया ना, क्या बोला? डिसीजन सर, डिसीजन 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 गिवन बाय डिसीजन डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर ऑन डिस्प्यूट, जिस डिस्प्यूट पे आया। मान लो ए और बी में टायर का डिस्प्यूट था, टायर की क्वालिटी का। अब इस टायर की क्वालिटी रिगार्डिंग जो डिसीजन आया ना, दिस इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, याद रखना आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? द डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर ऑन डिस्प्यूट गिवन इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है सर, और क्या फीचर्स है? आर्बिट्रेटर एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो ये बंदा अपॉइंट हुआ ना, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेटर, और इसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, चलो पक्का याद हो गया। चलो सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है? सर इंटरनेशनल वर्ड पे आना चाहिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सिंपल मतलब, मान लो ए और बी है, इसमें से जो एक भी बंदा होना, चाहे वो ए हो या बी हो, कोई भी एक बंदा या कोई भी एक कंपनी क्या हो, वो बाहर की हो। ठीक है, सिंपल बात हो, कंपनी कहाँ की हो? देखो, मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेयर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, वेदर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज एन इंडिविजुअल। मान लो ये इंडिविजुअली क्यों ना हो, या मान लो एनी बॉडी कॉर्पोरेट या एनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया और फॉरेन गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, ये बंदा मान लो कोई भी दो पार्टी के बीच डिस्प्यूट है ना, उसका एक बंदा बाहर बाहर वाले का क्या हो, बाहर बाहर रहता हो, जैसे लाइक कोई इंडिविजुअल बाहर रहता हो या मान लो कंपनी बाहर है। सिंपल सी बात है, भैया तुम इंडिया के नहीं हो ना, तो अलग बाहर वाले हो ना, तो वो क्या होगा? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सिंपल, ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, बी क्या था ना, बी का नाम था मिस्टर रॉबर्ट, मिस्टर रॉबर्ट जर्मनी के थे, तो वो जर्मनी का रॉबर्ट होते ही वो क्या हो गया? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ठीक है सर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू हाईली चांसेस। ठीक है, जहां जहां बोलूंगा एमसीक्यू हाईली चांसेस याद रखना सर। इफ एन आर्बिट्रेशन मैनुअली डिसाइड नहीं हो पा रहा, देन वी विल, देखो आर्बिट्रेटर अगर मैनुअली डिसाइड नहीं हो पा रहा, मतलब सर ए बी दोनों डिस्प्यूट हुआ, ये दोनों आर्बिट्रेटर नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन बनेगा, ए बोल रहा है सी ए बनेगा, बी बोल रहा है सी एस बनेगी। अब दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है कि कौन बनने वाला है आर्बिट्रेटर, तो इस केस में क्या? ठीक है, ये एक नॉर्मल सा मैंने बना दिया याद रखने के लिए सर। आर्बिट्रेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? एक एग्रीमेंट होना, और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। तो स्टेप है, आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट होना मैंडेटरी, और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। सर कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी देयर। सर ऐसा नहीं हो कि ए ने अपना कंसेंट दे दिया, बी ने नहीं दिया, तो सर ये आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। बोथ द पार्टी कंसेंट होना चाहिए, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, देखो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बोथ द पार्टीज प्रोसीड्स टू आर्बिट्रेशन। सर एक पार्टी नहीं जा सकता आर्बिट्रेशन, दोनों पार्टी को रजामंदी करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है एक पार्टी आर्बिट्रेशन जा सकता, नहीं जा सकता सर, दोनों पार्टी ने अपना कंसेंट दिया हो, साइन किया हो, तभी आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। साइन भी देखेंगे कैसा साइन नहीं साइन। ठीक है, सिंस आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एज अपोज टू लिटिगेशन, एटलीस्ट हर्ट एट हर्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन। सर हर्ट मतलब ये वाला हर्ट, ठीक है, लाइज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर आर्बिट्रेशन का हर्ट पूछोगे मेरे से, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही होगा। ठीक है सर, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानोगे तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बहुत क्वेश्चन बस इसी टॉपिक पे घूमे हैं। ठीक है सर, देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। अभी वो आर्बिट्रेशन के लिए एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, बट
आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी, और एग्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं। कौन सा एग्रीमेंट? पहला होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, दूसरा सबमिशन एग्रीमेंट। सर आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट डिफरेंस क्या बता दीजिए जल्दी से। सर आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होना, जैसे मान लो आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, मान लो कोई अपने अपने कोई ना एग्रीमेंट बनाया, मान लो ए और बी था, सुनो ये भी लिखता हूँ, ए और बी था, ये दोनों सप्लाई करने वाला है फूड्स का, ठीक है, फूड्स के वाला दाल का सप्लाई करना है, पल्स का सप्लाई करने वाला है। अब इसने बोला कि अब 5 साल तक मुझे 100 टन पल्स सप्लाई करोगे, ठीक है, इसने अपना एग्रीमेंट बनाया, अपना बिजनेस एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, और इसी एग्रीमेंट में इसने लिख दिया कि अगर कुछ भी पल्स में डिस्प्यूट हुआ क्वालिटी रिगार्डिंग, तो हम जाएंगे आर्बिट्रेशन, ठीक है, क्योंकि फूड का बिजनेस है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भैया गुडविल खराब होगा, कोई होटल में खाना खाने नहीं आएगा। इसलिए इसने अपने मेन प्रिंसिपल एग्रीमेंट में लिख दिया, क्या बोलो, प्रिंसिपल एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन करने जाएंगे। तो ये क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट के साथ कंटेन करता है ना, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन क्लॉज। मतलब यहाँ पे पहले से डीम होता है कि अभी कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो हम सिर्फ आर्बिट्रेशन ही जाने वाले, क्योंकि बोथ द पार्टी ने वहां पे साइन कर दिया था। सर सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पे ओपन डोर होता है, मतलब यहाँ पे पहले डिस्प्यूट हो गया उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपको आर्बिट्रेशन जाना आर्बिट्रेशन जाओ, वरना कोर्ट जाना कोर्ट जाओ, बट यहाँ पे कोर्ट नहीं आ सकते क्योंकि पहले दोनों बंदों ने आर्बिट्रेशन के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो इट कंटेंस ऑलरेडी विद द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ना सप्लाई का, उसके साथ ये लिखा रहेगा आर्बिट्रेशन क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम, दो टाइप के एग्रीमेंट होता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट। तो ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू कोर्ट आइदर बाय पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी अब यहाँ पे कोर्ट नहीं आ सकता अकेला चाहे तो, मतलब बी उठ के कोर्ट नहीं आ सकता या ए उठ के कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि प्रिंसिपल एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि हम दोनों जाएंगे आर्बिट्रेशन पे। एक्सेप्शन क्या है, जा सकता है कब कोर्ट पे, बट बोथ द पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड, जब दोनों पार्टी मान ले हाँ ठीक है चलो भाई आर्बिट्रेशन नहीं होगा चलो कोर्ट ही चलो तब जाएंगे, या आर्बिट्रेटर बाइस्ड हो जाएगा, आर्बिट्रेटर बाइस्ड हो जाएगा, मान लो जो भी सी अपॉइंट हुआ था वो एक है ना फूफा लगता था, एग्जाम्पल मान लो एक है, मान लो या एक है बिजनेस में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अभी देखेंगे कब का बायस होगा देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में वो कोर्ट जा सकता है, अदरवाइज आर्बिट्रेशन क्लॉज के केस में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पार्ट होता है, यहाँ पे हम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। सो सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब मारपीट हो गया, अब हम डिसाइड कर रहे हैं, अब दोनों बंदा खड़ा है, मारपीट कर लिया दोनों ने, अब डिसाइड कर रहे हैं कि कोर्ट जाना है कि आर्बिट्रेशन जाना, ठीक है। तो इट इज एन एग्रीमेंट दैट एंटर्स आफ्टर द डिस्प्यूट हैज अराइज़न, दोनों मारपीट हो गया मतलब अब डिस्प्यूट हुआ तब हम डिसाइड कर रहे हैं भैया हम जाएंगे अब आर्बिट्रेशन में। यहाँ पे क्या था आर्बिट्रेशन क्लॉज में, हमने डिस्प्यूट से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन केस ऑफ कोई डिस्प्यूट होगा तब हम जाएंगे आर्बिट्रेशन, ठीक है। इट इज अ सेपरेट एग्रीमेंट दैट यूजली हैपेंस व्हेन देयर इज नो क्लॉज इन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है, कोई क्लॉज नहीं है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन, द पार्टीज आइदर कैन गो टू, अब यहाँ पे चॉइस है, पार्टी चाहे तो कोर्ट भी आ सकती है क्योंकि अभी तक कुछ लिखा नहीं था ना, या पार्टी चाहे तो आर्बिट्रेशन जा सकती है एट देयर विल, ठीक है। What are the requirements of valid arbitration agreement? अब एक arbitration agreement valid कब होता है? सुनो, arbitration agreement mandatory in written form. देखो सर, कोई भी arbitration agreement है ना written form में होना चाहिए, ठीक है? What याद रखना, written form. अब सर written form मतलब कोई template बना हुआ जिससे audit report बनती है ना हमारी एक proper sequence में, पहले independent audit report फिर name ऐसे ऐसे करके audit opinion. तो क्या सर arbitration का कोई एक written form बना हुआ है? No sir, there is no specific template or form, ठीक है? There is no specific template or form, और so no oral requirement under arbitration agreement. देखो oral नहीं चलेगा, but arbitration agreement written होना चाहिए. Written का कोई template या form नहीं है, आप बस written लिख दो कि हाँ लिख दो कि A और B दोनों party ऐसे ऐसे है, in the case of any dispute arising in future, both the party will proceed to arbitration rather than going to court. ठीक है, तो हमने एक written form में लिख दिया वहाँ पे. रिटर्न कैसा हो सकता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन बने हुए, याद रखना क्वेश्चन बने हुए, क्या ईमेल पे दोनों पार्टी हुआ, ए ने ईमेल किया बी को कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ए ने किया बी को कि तुम हमको सप्लाई तभी करो 500 टन राइस जब इन द केस ऑफ जो भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, अदरवाइज मैं सुनो ए ने बी को मेल किया, क्वेश्चन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ए ने बी को मेल किया कि तुम 500 टन राइस सप्लाई करो बट कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, अगर तुम्हारा रिप्लाई आ गया या तुमने सप्लाई कर दिया तो हम मान लेंगे तुमने इसको मान लिया वैलिड कर लिया है, ठीक है। तो मेल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेशन को रिटर्न, यस बोल सकते हैं, फैक्स के थ्रू बोल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जहां लिख के बोला है ना वो आर्बिट्रेशन। सर क्लैरिटी ऑफ कंसेंट ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो ये सब पे क्वेश्चन बना हुआ, डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन बना के पूछेगा, ठीक है। देखो क्लैरिटी ऑफ कंसेंट मतलब सर देर इज अ नो एम्बिग्यूटी इन इंटेंशन टू गो टू आर्बिट्रेशन, आप ये नहीं मत लिखना कि आर्बिट्रेशन में कि अगर ए चाहेगा तो आर्बिट्रेशन जाएंगे हम आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मान लो कोई पार्टनरशिप हम पे 5-6 पार्टनर है, वो बोलेगा कि अगर पार्टनर डी चाहेगा तो आर्बिट्रेशन जाएंगे, भाई चाहेगा मतलब क्या होता है,
एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए भैया। आर्बिट्रेशन जा रहे तो क्लियर लिखो कि जो भी डिस्प्यूट होगा भैया आर्बिट्रेशन जाएंगे हम, ठीक है। ऑल डिस्प्यूट्स अराइज फ्रॉम अ लीगल रिलेशनशिप। अब भैया बच्चा चोरी करने का तुम काम कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि आर्बिट्रेशन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मर्डर का काम कर रहे हो, आर्बिट्रेशन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स कंटेनिंग इलीगल एक्टिविटीज कैन नॉट बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। इलीगल वाला काम आर्बिट्रेशन नहीं जा सकता, परफेक्ट सर। जैसे सर जैसे 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 भाई मर्डर ऑर्डर कर रहे हो तुम, ब्राइब ले रहे हो, सच मैटर डील्स ओनली इन कोर्ट, ये सब मैटर के लिए सिर्फ कोर्ट बना है, तुम्हारे आर्बिट्रेशन के लिए मैटर नहीं बना है। बच्चा चोरी कर रहे हो, आर्बिट्रेशन करने जाओगे, मर्डर कर दिए, बोलोगे चलो आर्बिट्रेशन देख लेंगे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से देख लेते हैं, आर्बिट्रेटर नहीं, मर्डर की वो कोर्ट जाओगे, कोर्ट के चढ़ी है, ठीक है। सर ऑल द वर्ड्स रिटन इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन फुल फॉर्म्स। सर फुल फॉर्म मतलब सर आपने लिख दिया ए टी, अब भैया सामने वाला भूल रहा है कि मान लो ए लिख दिया आपने, अपने वहां लिख दिया ए, ठीक है। अब भैया वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखा है, आर्बिट्रल अवार्ड लिखा है, क्या लिखा है, तो फुल फॉर्म लिखो। जो भी आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में यूज कर रहे हो ना, मस्ट स्पेसिफिक इन फुल फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मत लिख दो कि ए ए, भैया वो समझने वाला कुछ और समझ लेगा, आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी। ए मतलब वो आर्बिट्रल अवार्ड समझ रहे हो, आप ए मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट समझ रहे हो। तो हमेशा फुल फॉर्म लिखा होना चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट साइंड बाई बोथ द पार्टीज, और वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, साइंड बाई बोथ द पार्टीज इन सबमिशन एग्रीमेंट, ठीक है। बोथ द पार्टी साइन किया होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसको आगे करते हैं। सर टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म कब होगा, तो सबसे पहले बोला है कि म्यूचुअल कंसेंट, ये ड्रॉ चेंज ही कर लेता हूं मैं, ज्यादा डार्क लग रहा है, ठीक है। म्यूचुअल, चलो देखो, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है, एक बार कंट्रोल डिलीट कर देता हूं, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज साथ में जाना चाहे ना खत्म करना आर्बिट्रेशन को, इफ ए और बी ने बोला कि हाँ भाई ठीक है यार गलती हो गया, दोनों साथ में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म करना चाहते हैं, तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। बट सिंगल पार्टी कैन नॉट टर्मिनेट बाय हिमसेल्फ। सर प्लीज कलरफुल निकाल लेना, मैंने पीडीएफ निकाल लिया, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप ऑर्डर मत करो मेरी बुक, आप खुद कलरफुल निकाल के रख लो, अगर आपको अभी तक अच्छे कॉस्ट में मिल रहा है तो, बट प्लीज कलरफुल निकाल के पढ़ो, अदरवाइज ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो सिंगल पार्टी कैन नॉट टर्मिनेट बाय हिमसेल्फ, ठीक है। सर सेकेंड, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू डिस्चार्ज और कंप्लीशन, नॉट बाय ब्रिज। मान लो सर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि ए बी को है ना सप्लाई करेगा 5 years तक 510 पल्सेस, ठीक है, राइस मान लो, ठीक है। अब वो 5 साल तक करेगा, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था 500 टन करेगा, ठीक है, 5 साल तक 500 टन करेगा। अब वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड हो गया, मतलब 5 साल कंप्लीट हो गया और 500 टन भी दे दिया, तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जैसे सेटिस्फाइड हो गया ना, अब भाई टर्मिनेट हो गया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू डिस्चार्ज और कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। बट प्रिंसिपल एग्रीमेंट में कंप्लीट नहीं हुआ और वो टर्मिनेट हो रहा कैसे, ब्रीच से, ठीक है, या मान लो कुछ डिस्प्यूट्स है, तो भैया आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा। तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट अगर थ्रू डिस्चार्ज या कंप्लीट हो गया तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ, सर ये क्या होता है, अगर लॉ बोलता है कि मैटर आर्बिट्रेशन का नहीं है तो भैया कोर्ट का मैटर है, देन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। मान लो ए और बी में डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट ये था कि बी ने ए को बोला कि तू उसका मर्डर करके आ जा, फिर हम आर्बिट्रेशन देखेंगे। अब ए बी ए को पैसा नहीं दिया, मर्डर कर दिया इन्हें, अब दोनों है ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट के लिए, सी को आर्बिट्रेशन चल रहा था, भैया कोर्ट बोला क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम मर्डर का काम वाम करके आर्बिट्रेशन कर रहे हो, पागल वागल हो क्या। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये मैटर क्या था, कोर्ट का था। तो इन केस ऑफ एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है सर, ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, इंपॉर्टेंट क्यों है सर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ पार्टीज, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्टिल सर्वाइव्स। सर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था और सी आर्बिट्रेटर था, सब कुछ चल रहा था, ए मर गया, तो क्या आर्बिट्रेशन खत्म हो गया, नहीं। तो सर वो लीगल प्रोसीडिंग डन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल प्रोसीडिंग के तहत ये चलेगा, तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, लीगल प्रोसीडिंग चलेंगे, ठीक है। लेकिन सर सुनो ये याद रखना, ये मैंने पर्सनली 2-3 डाउट यहाँ पे लिया था, मेरे स्टूडेंट ने बोला सर ये मिल नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा सर, ये चीज बताइए, पता था क्या वो डाउट था। सर मान लो सपोज सर सपोज ए था ना, ये था मान लो क्रिकेटर, और बी जो था ना ये स्कूल का था प्रिंसिपल, सुनते जाओ, ठीक है। बी था प्रिंसिपल, ए क्रिकेटर,
बी ने ए को बोला कि हमारे स्टूडेंट के 200 स्टूडेंट, हमारे स्कूल के 200 स्टूडेंट्स को आपको क्रिकेट की कोचिंग देनी है। ए ने बोला हाँ दूंगा मैं। तो ए ने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा, वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखा। ए ने बोला कि हम कोचिंग देने को रेडी है, ठीक है। और ए क्या किया, बी को जो प्रिंसिपल था उसके स्टूडेंट को कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। 6 महीने बाद हो गई ए की डेथ। अब क्या डेथ के बाद आर्बिट्रेशन होगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया था कि जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से होगा। तो क्या ए बी के बीच में डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन वैलिड होगा, क्योंकि डेथ हो गया, डेथ के बाद भी आर्बिट्रेशन सर्वाइव करता है। बट सर सुनो, पर्सनल नेचर का क्या बोल रहा हूँ, पर्सनल नेचर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पर्सनल नेचर वाला, जस्ट लाइक ए कोच या कुक, या कुक ने बोला कि ऐसा करेगा, लॉयर ने बोला ऐसे करेगा, तो भैया उसके डेथ होते ही आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। सर सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर क्या बोलता है सेक्शन नंबर 10, सर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, कितने आर्बिट्रेटर होंगे एक आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग्स में, मतलब ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, ए एक आर्बिट्रेट लाया, बी एक आर्बिट्रेट लाया, दोनों मिलकर एक सी आर्बिट्रेट लाया, तो कितने आर्बिट्रेट जा सकते हैं, सर एन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। अब जाओ तो एन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, एन मतलब सर कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर ला सकते हो, बट वो आर्बिट्रेटर जो है ना उसका नंबर इवन नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 नहीं होना चाहिए, जो 2 से डिवाइड वाला हो वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, जो भी आर्बिट्रेटर तुम रखने वाले हो। तो पार्टीज हैव राइट हायर लेवल ऑफ फ्रीडम टू चूज एनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, बट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट इवन नंबर, बिकॉज डिसीजन जो होता है ना आर्बिट्रेशन का वो मेजोरिटी में दिया जाता है। आप ही सोचो कि 6 अगर इवन नंबर वाला आदमी हो जाए, 3 हाँ 3 ना, तो डिसीजन आएगा कहां से, सोचने की बात है ना, क्योंकि डिसीजन आर्बिट्रेशन में मेजोरिटी होता नहीं, देखेंगे आगे जाके, ठीक है, ठीक है। बिफोर आर्बिट, आप देखो तो सर कितना कर सकते हैं, आप 50 कर लो, 51 कर लो, 53 कर लो, 55 कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो, जो इवन नंबर नहीं हो उतना आर्बिट्रेटर कर लो। लेकिन सर मान लो कि हम एन नंबर कर सकते हैं, हाँ आप चाहे तो 85, 87 कर सकते हो, बट याद रखना एन नंबर के लिए भी सोच के समझना, याद रखना बिफोर अपॉइंटमेंट द आर्बिट्रेटर पार्टीज हैव एनालाइज्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। भैया मैटर ही 2 लाख रुपए का मैटर हुआ है डिस्प्यूट, उसके लिए तुम 85, 87, 89 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हो, पागल वागल हो, 2 और 3 आर्बिट्रेटर से काम हो सकता है। और नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स, तो कभी भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से पहले आप लीगलिटी ऑफ मैटर देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर देखो, नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम देखो, सब सोच के फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। आर्बिट्रेटर कभी भी इवन नंबर नहीं होगा, दिमाग में बैठा लेना, इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लॉजिक, क्योंकि आर्बिट्रेटर का डिसीजन मेजोरिटी पे आता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड आर्बिट्रेटर, सर क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं आर्बिट्रेटर के, मान लो ए और बी में डिस्प्यूट हुआ था और ये सी को अपॉइंट करना चाहता है, तो सर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा एक आर्बिट्रेटर के, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, फीचर्स क्या क्या होंगे, सुनो। आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनलिटी, अब ये जापानीज भी हो सकता है, ये अमेरिकन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते ए और बी है, ए का ब्रदर रहता था सी, वो रहता था जर्मनी में, और बी का भी था वो जान पहचान होता था इधर फ्रांस में, तो भाई आर्बिट्रेटर वो जर्मनी फ्रांस का हो सकता है, कोई भी नेशनलिटी हो सकता है, नेपाली भी आके, जापानीज भी आके, कोई भी आके, कहीं का आके आदमी आदमी आर्बिट्रेटर बन सकता है। आपका कोई नेपाल का फ्रेंड हो, जैसे दिल्ली में बहुत सारे फ्रेंड नेपाल वाले होते हैं, वो सीए बन के वहाँ पर प्रैक्टिस कर कुछ भी कर, आप उनको एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो। तो आर्बिट्रेशन कैन बी ऑफ एनी नेशनलिटी, होने का चांसेस है, कहीं आपके क्वेश्चन बनने का चांसेस है, ठीक है। सर इरेलेवेंट ऑफ फैक्ट दैट इज डिस्प्यूट ऑफ डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक नेचर का डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, मतलब ए और बी दोनों दिल्ली के हैं, आर्बिट्रेटर कहीं का भी हो सकता है, नेशनलिटी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर कोई भी हो नेशनलिटी का चलेगा, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, कोई भी आर्बिट्रेटर हो, कोई भी नेशनलिटी को चलेगा, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है। आर्बिट्रेटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब सर अभी अब छोटे नेशनलिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, सी तो मान लो फ्रांस का हो गया, बट याद होना चाहिए ये माइनर नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आर्बिट्रेटर जो होता है ना, आर्बिट्रेटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए कैपेबल हो, नॉट माइनर भी ना हो, इंसॉल्वेंट भी ना हो, अनसाउंड माइंड भी ना हो, डिस्क्वालिफाइड भी नहीं हो, ठीक है। एंड आर्बिट्रेटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड, ठीक है, मतलब सर वो
झुके नहीं किसी के सामने, मतलब ए और बी में किसी का सगा ना हो, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट में या मान लो उसके मान लो आर्बिट्रेटर का फैमिली वाला कोई ए और बी का सगा ना हो। जैसे ए और बी ने डिस्प्यूट हुआ सी को अपॉइंट किया, सी जो था ना ए के जान पहचान का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट हो यार, सब कुछ इंडिपेंडेंट चला तो आर्बिट्रेटर भी इंडिपेंडेंट हो और बायस ना हो, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सिचुएशन दैट अफेक्ट बायसनेस ऑफ आर्बिट्रेटर, कब कब आर्बिट्रेटर बायसनेस को अफेक्ट कर सकता है, सुनो ठीक है। बायसनेस ऑफ आर्बिट्रेटर सर कब कब आर्बिट्रेटर का बायसनेस अफेक्ट हो सकता है, सर इन केस ऑफ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। सर मान लो ए और बी का डिस्प्यूट था, ए का कंपनी था, ठीक है, ए कंपनी का था, मान लो ए कंपनी है कोई, ए बी एबीसी, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और बीसीडी प्राइवेट लिमिटेड का डिस्प्यूट हुआ। अब मान लो इन दोनों मिलकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया मिस्टर सी जैज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये जो सी था ना वो एबीसी कंपनी में ना एज अ सर्विस दिया था 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो भैया ये सब क्या हो सकता है, ये सब अफेक्ट करता है बायसनेस को, कहीं ना कहीं दिखाता है ये आर्बिट्रेटर ना बायस हो सकता है। तो वही बोला किस किस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर बायस हो सकता है, इन केस ऑफ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आइदर बाय वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कंसल्टेंट और लॉयर और पास्ट लीगल एडवाइस। जैसे सी यहाँ पे क्या था, उसका साथ में एम्प्लॉयमेंट में था एबीसी के, तो हाँ यहाँ बायसनेस हो सकता है, बायसनेस हो सकता है, तो भाई ये सी कहीं ए का ही बात सुने, हमेशा एक ही पार्टी पे दिमाग लगाए। और सर देखो मैंने पूरा क्लास में अच्छा समझाया था, अभी रिविजन चल रहा है, ठीक है। फैमिली मेंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अब मान लो ये सी था, सी का इंटरेस्ट नहीं था, बट सी का दो बेटा था ना, दोनों बेटा था मान लो, ठीक है, राजू एंड श्याम, दोनों का क्या था, राजू एंड श्याम का एबीसी में क्या था, फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, दोनों कंपनी के शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे थे, तो भैया यहाँ भी क्या हो सकता है, बायस्ड हो सकता है वो आर्बिट्रेटर, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कब कब आर्बिट्रेटर बायस्ड हो सकता है, तो भैया या तो तुम्हारा खुद का आर्बिट्रेटर का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो, भाई सर्विस से हो, इलीगल से हो, या मान लो तुम्हारे बेटे या तुम्हारे फैमिली मेंबर किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर का, या मान लो भाई आर्बिट्रेटर तुम्हारे क्यों ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, तुम्हें क्या पता उस कंपनी के शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हो, शेयर होल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये बायसनेस बता सकता है कि आर्बिट्रेटर बायस हो सकता है। सर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, सर ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर मतलब सर वो आर्बिट्रेटर जो है ना, आर्बिट्रेटर की ड्यूटीज क्या है, मान लो बंदा अपॉइंट हो चुका है तो वो क्या क्या काम करेगा। सर कीप यहाँ पे ठीक कर देना, की नहीं होगा यहाँ पे, होगा कीप, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स यार थोड़ा तो मैटर मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कीप, ठीक है, कीप ऑल मैटर्स कॉन्फिडेंशियल, वो सारे मैटर क्या करेगा, गुप्त चुपचाप रखेगा, जो भी फाइल्स फोल्डर्स को मिलेंगे सारे मैटर्स को चुपचाप रखेगा, कोई मैटर्स को हल्ला नहीं करेगा, अदरवाइज फिर आर्बिट्रेशन एंड कोर्ट में मैटर फर्क क्या होगा, क्योंकि कोर्ट में हल्ला हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर काम है चुपचाप रहेगा, चाहे कोई भी आ जाए, आर्बिट्रेटर चुप तो चुप, आर्बिट्रेटर की बात कर रहा हूँ। अवॉइड यूनिलैटरल कम्युनिकेशन, सर मैंने क्या बोला, बायसनेस को हम क्यों पता लगाते हैं, क्योंकि बायसनेस से कभी कभी होता है ना, मान लो एबीसी कंपनी में उसका वो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था, तो हो सकता है वो सिर्फ एबीसी कंपनी का सुने, तो भैया ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर है कि भैया अवॉइड करो यूनिलैटरल, मतलब एक तरफा प्यार को भूल के दो तरफा प्यार पे ध्यान दो, ये सी जो है ना ये दोनों की बातें सुने, ए की बात सुने और बी की बात सुने, ऐसा नहीं कि सी बस ए की बातें सुनते रहे, ठीक है, तो दोनों तरफ बात को याद रखो, बायलेटरल दिमाग लगाओ, ठीक है, यूनिलैटरल छोड़ दो। आर्बिट्रेटर अवार्ड मस्ट ऑलवेज विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सर व्हाट इज आर्बिट्रेटर अवार्ड, मैंने बताया था ये जो डिसीजन देता है, अब सर मान लो दोनों में डिस्प्यूट हुआ, अब डिसीजन आ गया सी का कि ए बी को 50 लाख का कंपनसेशन देगा, या मान लो बी ए को 50 लाख का कंपनसेशन देगा, अब ये डिसीजन दे दिया आर्बिट्रेटर ने, अब भैया ये डिसीजन के रिगार्डिंग क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, किस बेसिस पे तुम सी बता रहे हो कि बी ए को 50 लाख रुपए देगा, तो भैया ये भी फिक्स करना पड़ता है, तुम सी हवा में नहीं बोल सकते कि बी ए को कंपनसेशन देगा या ए बी को कंपनसेशन देगा, तुम जो भी आर्बिट्रल अवार्ड निकाल लो, जो भी आर्बिट्रल अवार्ड निकाल लो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। जहां भी हम रिज्यूमे लेके जाते हो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आपका 10th सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, तो आर्बिट्रल अवार्ड भी हमेशा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होता है, अदरवाइज तो फिर आर्बिट्रेट कुछ भी अवार्ड दे देगा फिर तो हवा में, ठीक है। आर्बिट्रेटर नॉट फेवरिंग एनी पार्टी एंड रिमेंस न्यूट्रल ऑल टाइम्स, कभी भी कोई पार्टी को फेवर नहीं करेगा, जस्ट लाइक ए यूनिलैटरल कम्युनिकेशन टाइप है, ठीक है। कंडक्ट द प्रोसीडिंग विदाउट एनी डिले, सारा प्रोसीडिंग्स करेगा विदाउट एनी डिले, क्योंकि आर्बिट्रेटर कंप्लीट होने का टाइम है 12 महीने, 12 महीने में आर्बिट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए विदाउट डिले किए हुए खत्म करेगा आर्बिट्रेशन। सर डिलिब्रेशन क्या होता है, एनालिसिस, सर डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करना, ठीक है। सर मीन्स आर्बिट्रेटर डिस्कस ऑल इशू बिफोर इशूइंग डिसीजन, सर मतलब सर आर्बिट्रेटर के पास मान लो कुछ भी प्रॉब्लम आया, आर्बिट्रेटर ये नहीं बोलेगा चल ए तू जीत गया या बी तू जीत गया,
या बी तू एक को कंपनसेशन दे। नहीं भाई, पहले दोनों को डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, दोनों को सुनो, कुछ भी हेयरिंग देने से पहले दोनों को बताओ, कुछ भी डिसीजन देने से पहले दोनों को बोलो कि हाँ भाई तुम लोग आओ, पहले मेरे को समझाओ कि यार क्या क्या हुआ। ये नहीं कि तुरंत बताए डिसीजन, बी ए को कंपनसेशन देगा, ठीक है। तो मीन्स आर्बिट्रेटर डिस्कस ऑल इशूज, जो भी इशू है डिस्कस करेगा पार्टी से बिफोर इशूइंग एनी डिस्कशन। तो ये सब क्या, ये सब ड्यूटीज है। क्वेश्चन बन सकता है क्या मैटर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा, क्या आर्बिट्रेटर चलेगा, नहीं, क्या यूनिलैटरल कम्युनिकेशन रहेगा, नहीं, दोनों तरफा होना चाहिए, ठीक है। क्या आर्बिट्रेटर अवार्ड दे दिया उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो ये चलेगा, नहीं भाई नहीं चलेगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब सर मान लो, अब मान लो अपील करना है, मान लो सुनो, ए और बी दोनों पार्टी से डिस्प्यूट हुआ, सी आया, सी ने बोला बी को कि भैया इसको 50 लाख का कंपनसेशन दो। अब ये बी बोला मैं क्यों दूं, मैं तेरा अवार्ड नहीं मानता। तो देखो सर, पहली बात कि अवार्ड बाइंडिंग होता है, अवार्ड बाइंडिंग होता है ए और बी पे, बट तुम अवार्ड के रिगार्डिंग अपील फाइल कर सकते हो। कब अपील फाइल कर सकते हो, कहां जा सकते हो अपील फाइल करने के लिए, सुनो, पहले बोला कि फर्स्ट बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पहले तुम खुद ड्रो इसके पास जाके, जिसने तुम्हारा डिसीजन दिया है ना, तुम पहले खुद समझाओ उसको कि बी जाके खुद समझाएगा सी, यार कैसे डिसीजन दे रहे हो, तुम्हारे खिलाफ पहले अपील आ जाता है, बस फिर हम आगे जाएंगे, कि हो सकता है सी यहाँ पे बेचारा दब के आंसर दे दे कुछ भी। इसलिए पहले बोला, सबसे पहले तुम्हें कहा जाना है फर्स्ट बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होता है, वही आर्बिट्रेटर होता है। तो कहीं कहीं आर्बिट्रेटर यूज किया जाता है, कहीं कहीं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यूज किया जाता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम है, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। सर अगर मान लो ये सी नहीं सॉल्व कर पाएगा, सी ने बोला नहीं भाई हमने 50 लाख बोल दिया, तो बी ए को 50 लाख देगा ही देगा, इफ नॉट सॉल्व, ठीक है, इफ नॉट सॉल्व देन अपील टू, डोमेस्टिक डिस्प्यूट है तो भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट है तो क्या हाई सुप्रीम कोर्ट, नहीं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, डिस्प्यूट्स के लिए रिगार्डिंग इंडिया में रहेंगे हम, सॉरी हाई कोर्ट पे रहेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, मान लो ए बी था रॉबर्ट, ठीक है, अब इसको अपील करना है तो भैया इंटरनेशनल डिस्प्यूट करो, हम डिस्प्यूट लेकर आ जाएंगे हाई कोर्ट। सर लेकिन अपॉइंट करना होता तो आर्बिट्रेटर इंटरनेशनल मामले में, तब वो सुप्रीम कोर्ट। तो सर अपॉइंटमेंट के लिए याद रखना, अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम, लेकिन सर अपील याद रखना, अपील अगर इंटरनेशनल हो तो हाई कोर्ट में जाते हैं, और डोमेस्टिक हो तो भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जैसा मानो तुम जा सकते हो, हाई कोर्ट भी लिखना, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। सर टाइम लिमिट फॉर अपील, इसमें एग्जाम में देखने को मिला था दिसंबर 21 में, एक चीज और दिखाऊंगा आपको, एमटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर टाइम लिमिट फॉर अपील, सर कितने दिन में आप अपील कर सकते हो, तो सर एंड अवार्ड इज ए कंक्लूसिव डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर। देखो अवार्ड जो होता है वो कंक्लूसिव डिसीजन होता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, अदरवाइज अपील करो, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या है, ओनली अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन चैलेंज अवार्ड। मतलब सर ए और बी, सी ने अवार्ड दिया कि बी को भाई तू 50 लाख देगा, किसको, ए को। अब बी का ना एक चाचा था मिस्टर डी, ये बोला अरे रुक मैं देखता हूँ आर्बिट्रेटर से अपॉइंट करता हूँ, मैं अपील फाइल करूंगा, तो भैया चाचा जी आप वहीं रहिए, ठीक है। मतलब सिंपल बात, ओनली अ पार्टी, ये जो पार्टी है ना पार्टी, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकता है अवार्ड को, पार्टी क्या कर सकता है अवार्ड को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन, देखो ये लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन अवार्ड को चैलेंज नहीं करता, जो इसके चाचा जी थे ना ये जाके चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस है क्योंकि आईसीआई ने यहाँ तक पांव पसार दिया अपना, आईसीआई ने अपना हाथ लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक पूछ दिया अपील का, इसलिए यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्या थर्ड पार्टी अपील को चैलेंज कर सकता है, हमारा थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अवार्ड कैन बी चैलेंज विद इन 3 months, ये एग्जाम में क्वेश्चन था इस बार का, ठीक है। फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड, जो भी कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड हुआ था ना वहां से 3 महीने, मान लो 1 अक्टूबर को कम्युनिकेट हुआ तो यहाँ से 3 महीने 31 दिसंबर तक टाइम है, तुम अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो जो भी तुम पार्टी हो, ठीक है। फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, देखो रेड में लिखा हुआ है इसलिए बोला कलर निकाल लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज मिल सकता है, कैन बी गिवन, 30 डेज का एक्सटेंशन हम दे सकते हैं फर्दर, ठीक है। बट याद रखना टोटल मिला के 3 months प्लस 30 डेज तक का हो सकता है, तो कहने को देखो 3 महीने का टाइम है बट 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं जस्टिफाइड रीजन हो तो भैया प्लीज आप कलरफुल नोट्स निकाल लो या आप ऑर्डर कर दो, कोई दिक्कत नहीं यार, 450-500 मिल रहा है तो अच्छे से कलरफुल नोट्स मिल रहा है, ऐसे ही कॉस्टली पड़ता है, मैं लास्टली कोटेशन ला के आया था, ठीक है, चलो आपके डिसीजन पे। तो याद रखना 3 months प्लस 30 डेज एक्सचेंज हो सकता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड अपील कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए आर्बिट्रेशन के, देखो आर्बिट्रेशन इज जस्ट लाइक ए बिजनेस स्टडीज, बट सर ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं, सर प्रीवियस अटेम्प्ट में 6 मार्क्स तक आया था, ये चैप्टर मान लो मिनिमम 3 मार्क्स तो कवर करता ही करता है, और ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर मान लो, सर बहुत छोटा चैप्टर है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना, समझना है बस, इसमें तो याद भी नहीं करना है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा ऐसे करके, सेक्शंस भी कम है,
तो भाई इसमें से बहुत बोनस मार्क्स और सर ये यही सब बोनस मार्क्स की वजह से लोग अगर नवंबर दिसंबर का पेपर निकाले होंगे तो ये सब चैप्टर वैसे निकला होगा, अदरवाइज पेनल्टी पेनल्टी हर जगह था। ठीक है, सो व्हेन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स, सर आर्बिट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। इफ अवार्ड नॉट गिवन इन 12 मंथ्स देन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड, नहीं खत्म नहीं हुआ, ये लॉ की लैंग्वेज है। इफ आर्बिट्रेशन 12 महीने में खत्म नहीं हुआ तो भैया आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा खत्म। When final award has been not made, final award नहीं मिला तो भैया arbitration हो जाएगा खत्म। When both the parties decided to no longer with continue with arbitration, दोनों पार्टी बोले A और B, दोनों बोले, देखो बार बार यूज करो both, both आने समय भी both और जाने समय भी both, enter करो arbitration में both the parties consent चाहिए, if you exit from the arbitration agreement then both the parties consent must be needed। ठीक है, तो दोनों पार्टी चाहे तो arbitration खत्म करके अपना जैसा चाहे कर सकते हैं। When court decide, अब court भी decide करके arbitration खत्म कर सकता है, court बोले भाई murder का case तुम लोग arbitration कर रहे हो ये arbitration खत्म, तो बहुत सारे केस ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कब arbitration process end हो जाएगा। तो 12 महीने में नहीं हुआ, फाइनल अवार्ड नहीं बना, बोथ द पार्टीज हैव म्यूचुअली कंसेंट, अपना आर्बिट्रेशन प्रोसेस खत्म कर सकता है या कोर्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ से खत्म कर सकता है। सो यहां से कहना एक केस स्टडी टाइप बन सकता है मेरे नाज़ लगा, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, कितने टाइप्स के आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं सर, अवार्ड मतलब डिसीजन होते हैं सर। एक होता है फाइनल अवार्ड, जो मैटर पे डिस्प्यूट था उस पे कंक्लूसिव अवार्ड एंड ऑर्डर आर्बिट्रेशन ने दे दिया या आर्बिट्रेशन ने दिया, अल्टीमेट फाइनल जो रियल मैटर था, ए और बी के बीच में मैटर था पल्स को लेके 500 टन, डिस्प्यूट हुआ और इस डिस्प्यूट का डिसीजन दिया आर्बिट्रेटर मिस्टर सी ने, तो ये जो फाइनल डिसीजन हुआ ना फाइनल अवार्ड बोलते हैं, जो एक्चुअल में डिस्प्यूट के रिगार्डिंग तुम गया था ना उसके पास मिस्टर सी के पास, उसके उसके लिए अवार्ड दिया ना डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, वो फाइनल अवार्ड दे दिया, कंक्लूसिव हो गया भैया वो अवार्ड फाइनल अवार्ड होता है। सर इंटरिम अवार्ड क्या हुआ, इट इज अ टेम्पररी डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर एंड रिमेन इन फोर्स टिल फाइनल डिसीजन मेड। अब मिस्टर सी ने बोल दिया देखो 500 टन का डिस्प्यूट था, एक काम करो बी तुम इसको अभी है ना 250 टन सप्लाई करो, 250 टन रोक दो, हम बोल रहे हैं आर्बिट्रेटर बोल रहा है कि हमें लग रहा है तुम्हारा पक्ष थोड़ा ढीला लग रहा है, तुम फंस जाओगे, तुम हारने वाले, काम करो अभी 250 टन दे दो, क्या ये क्या ये फाइनल डिसीजन से बनने से पहले जो पहले आता है ना इंटरिम अवार्ड वो क्या वैलिड रहता है, यस वो भी वैलिड रहता है। तो फाइनल अवार्ड बनने से पहले जो एक टेम्पररी डिसीजन दिया ना मिस्टर सी ने जो आर्बिट्रेटर होता है उसको कहते हैं इंटरिम अवार्ड, तो 6 मंथ। ठीक है, तो याद रखना इंटरिम अवार्ड वाला। सर व्हाट इज एडिशनल अवार्ड, सर एडिशनल अवार्ड क्या होता है सुनो, आफ्टर सम टाइम पार्टी केम टू नो सम डिसीजंस ऑन सर्टेन मैटर आर येट टू रिजॉल्व, देन पार्टी रिक्वेस्ट टू आर्बिट्रेटर रिजॉल्व सच इशू एंड गिवन एडिशनल अवार्ड। सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना मेड विद इन 30 डेज, बताता हूँ सुनो। सर सुनो, ए और बी में डिस्प्यूट था, बी जो था ना ए को सप्लाई करना था, बी क्या था, बी था मान लो बी टीवी सप्लाई करता था, एसी सप्लाई करता था, टीवी रिमोट करता था, ठीक है फ्रिज करता था, रेफ्रिजरेटर फ्रिज मान लो जो भी करता था, तो डिस्प्यूट हुआ सब मैटर पे, 3 मैटर पे सी ने आर्बिटर जो आर्बिटर था उसने डिसीजन दे दिया, बट एक लास्ट मैटर था ना फ्रिज वाला इस पर डिसीजन नहीं आया, तो ए और बी ए ने बोला ना कि यार आर्बिट्रेटर तुमने है ना टीवी एसी रिमोट पे डिस्प्यूट वाला दे दिया बट एक फ्रिज का डिस्प्यूट होना बाकी था, तो क्या ये एक डिस्प्यूट का डिसीजन नहीं है क्या, उस पे भी अवार्ड ले सकता है? यस दैट इज नोन एज एडिशनल अवार्ड। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम होने के बाद पार्टी केम टू नो सम डिसीजंस ऑन सर्टेन मैटर एंड येट टू रिजॉल्व, मतलब फ्रीज का मैटर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ था, देन पार्टीज रिक्वेस्ट मतलब ये पार्टी रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको आर्बिट्रेटर को रिजॉल्व करिए, सर रिजॉल्व करिए एक इशू और बाकी था फ्रीज को लेके, क्या कितने दिन बाद जा सकता है? सर याद रखना ये याद रखना टाइम लिमिट, याद रखना टाइम लिमिट जहां मिले कान खोल लेना। सर कितने टाइम बाद जा सकता है सुनो, सर 30 दिन, सर 30 डेज, सर 30 डेज कब से फाइनल अवार्ड, फाइनल अवार्ड जो मिला ना मान लो फाइनल अवार्ड मिला 2 अक्टूबर को, तो भैया याद रखना 2 नवंबर तक ही टाइम है तुम्हारे पास, 1 नवंबर तक टाइम है, 30 डेज देख लेना उस समय तक ही, विद इन 30 डेज उस समय तक जाके एडिशनल अवार्ड की डिमांड कर लेना, बाद में कोई एडिशनल अवार्ड नहीं मिलेगा। सर 2 अक्टूबर को फाइनल अवार्ड आया और ज्यादा पार्टी 2 दिसंबर को, आफ्टर 30 डेज नहीं मिलेगा एडिशनल अवार्ड का। ठीक है, तो बाइंडिंग तभी है जब तुम 30 दिन के अंदर जाते हो एडिशनल अवार्ड के बारे में। ठीक है चलो, ठीक है। सर व्हाट इज सेटलमेंट अवार्ड, सेटलमेंट कुछ नहीं होता है सुनो, ए और बी में डिस्प्यूट था, अब दोनों सोचा यार मैटर गंदा हो रहा है, मैटर है ना कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो कहीं आगे भाग जाए, ए और बी में बोला कि यार काम करते हैं ना, क्या यार भाई भाई लड़ रहे हैं हम लोग, खत्म करो यार इसको। अब ए और बी ने आर्बिट्रेशन जा चुका है, सी आर्बिट्रेशन अपॉइंट हो चुका है, अब ए और बी बोलता है यार चलो खत्म करते हैं इसको, भाई भाई वाला बन के खत्म करते हैं, क्या भाई भाई लड़ रहे हैं हम लोग। अब वो आर्बिट्रेटर सी ना ऐसे खड़ा है, वो बोल रहा है क्या तुम लोग खुद भाई भाई लड़ लो, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं ना, अभी कुछ और नहीं दल जाता मेरे मुंह से, ठीक है चलो हम तो ऐसे ही बैठे हैं ना यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो देखो
ए और बी ने मान लिया ना, तो सी बोलेगा चलो ठीक है तुमने मान लिया ना, हम एक अवार्ड देते हैं, दैट इज नोन एज सेटलमेंट अवार्ड, कि तुम लोगों ने मैटर सेटल कर लिया है. सॉरी, तुम लोगों ने मैटर क्या कर दिया, सेटल कर दिया है. अगर बीच में ही दोनों पार्टी को लगे कि आर्बिट्रेशन खत्म करते हैं, देन सेटलमेंट लेते हैं, तो वो अवार्ड जो देता है वो होता है सेटलमेंट अवार्ड जो आर्बिट्रेटर देता है. सर चार टाइप अवार्ड, फाइनल अवार्ड जो कंक्लूसिव मैटर डिसीजन आ गया वो फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड जो फाइनल अवार्ड बनने से पहले जो मैटर को रिजॉल्व करने जो अवार्ड दिया था वो दैट इज नॉट इंटरिम अवार्ड. सर एडिशनल अवार्ड कोई मैटर छूट गया होगा डिसीजन देने के लिए, तो फाइनल अवार्ड मिलने से 3 दिन के अंदर वो इंटरिम एडिशनल अवार्ड के बारे में रिक्वेस्ट बोल देना पार्टीज. सर सेटलमेंट अवार्ड दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन में जा चुकी है, बट दोनों चाह रही है भाईचारा बना लेते हैं, छोड़ो ही सबको, तो वो एक सेटलमेंट अवार्ड लेती है. सर एडिशनल अवार्ड, अब इस चैप्टर मैंने एडिशनल अवार्ड्स बना रखे हैं. सर अवार्ड मस्ट बी गिवन बाय मेजॉरिटी डिसीजन. मान लो मैंने क्या बोला, आर्बिट्रेटर हमेशा इवन नंबर नहीं होगा, मतलब सर 5 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ तो सर मेजॉरिटी डिसीजंस में कभी भी अवार्ड डिसीजन होगा 3 हाँ 2 ना, ठीक है, या मान लो 3 ना 2 हाँ, ऐसा ही अवार्ड आएगा. 3-3 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 कभी होता ही नहीं आर्बिट्रेटर इवन नंबर, इसलिए बोला जाता है कि आर्बिट्रेटर कभी भी इवन नंबर नहीं होगा. इसलिए क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन आता है. मान लो 5 लोग या मान लो 3 ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, ठीक है, अब इसमें से 2 हाँ बोलेगा, 1 ना बोलेगा, या 3 हाँ बोलेगा, या 3 ना बोलेगा, या 2 ना 1 हाँ बोलेगा, इसलिए मेजोरिटी पे डिसीजन दिया जाता है आर्बिट्रेटर का, और इसलिए आर्बिट्रेटर में अवार्ड होके रहता है, क्योंकि मेजोरिटी है, यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी जीत सकता है, क्योंकि इवन नंबर है ही नहीं जो मेजोरिटी नहीं बनेगा. आर्बिट्रेटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म. सर मान लो ए और बी में डिस्प्यूट था, आर्बिट्रेटर बोला बी को कि तू ए को है ना चांद का टुकड़ा तोड़ के देगा, या बोलेगा तो एक काम कर तू बी, बी बोलेगा बी है ना ए, ए जिसका मर्डर करने बोलेगा ना बी, तू उसका मर्डर करके देगा, तो भैया कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, ऐसा मत दे दो अवार्ड कि तुम वो कर ही नहीं पाए. मान लो सी ने बोल दिया, सी जो क्या था आर्बिट्रेटर था, उसने बोल दिया बी को कि बी तू ए को है ना चांद का टुकड़ा लाके देगा, भाई ये तो होगा ही नहीं पाएगा. तो अवार्ड जो होता है ना डिसीजन, मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, वो कैपेबल होना चाहिए परफॉर्म होने के लिए, ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म एंड नॉट बी इलीगल. इलीगल नहीं चाहिए, किसी का मर्डर वर्डर करके लाने देना अवार्ड नहीं होगा, ठीक है. अवार्ड मस्ट बी साइंड इन राइटिंग बाय मेजोरिटी, ये लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन आया था इस पर जून अटेम्प्ट में शायद. अवार्ड मस्ट बी साइन इन राइटिंग बाय मेजोरिटी, ठीक है, बाय मेजोरिटी एंड मस्ट बी डेटेड. जिस दिन अवार्ड साइन हुआ उस दिन का डेट लिखो. सर डेट क्यों, क्योंकि इसी डेट के 30 दिन अंदर एडिशनल अवार्ड आने का चांसेस हो सकते हैं, ठीक है. और साइन इन राइटिंग बाय किससे, कौन साइन करेगा राइटिंग में, साइन राइटिंग बाय मेजोरिटी. मेजोरिटी जो भी होंगे वो साइन करेंगे तो भी चलेगा. सर मान लो मेजोरिटी में मान लो 5 लोग थे, 3 ने साइन कर दिया, 2 ने साइन नहीं किया, तो आर्बिट्रेटर वैलिड होगा, यस वैलिड होगा, क्योंकि मेजोरिटी ने साइन कर दिया ना, तो चलेगा. अवार्ड कैन बी चैलेंज, देखो सर नॉर्मली अवार्ड जो होता है ना आर्बिट्रेटर अवार्ड वो चैलेंज नहीं हो सकता, बट चैलेंज कब हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में. जैसे क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, जब बायसनेस हो आर्बिट्रेशन का, या आर्बिट्रेटर बायस्ड हो, ए और बी में कॉन्टेक्ट था, सी आर्बिट्रेटर था, सी ना ए का प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में था, तो ये बायस्ड हो गया सी, ठीक है. यहाँ पे ये सी ने जो अवार्ड दिया ना वो चैलेंज हो सकता है. सर चैलेंज पहले कहाँ होगा, पहले खुद आर्बिट्रेटर पास होगा, फिर कहाँ जाएंगे, डोमेस्टिक है तो यहाँ, और इंटरनेशनल है तो हाई कोर्ट, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, देखा हमने अभी पर. सर और कब चैलेंज होता है, इन केस ऑफ इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. सर इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सर रिटन था ही नहीं, सर साइन था ही नहीं, सर फुल फॉर्म यूज हुआ, सर टेम्पलेट कुछ ऐसा नहीं था, तो सर देखो अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड हो गया तो अगर उसके रिगार्डिंग अवार्ड भी आया होगा ना तो भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है. मतलब सर एग्जांपल समझ लो रिटन नहीं था, ठीक है, या मान लो बोथ पार्टी का साइन नहीं था, तो भैया तो आर्बिट्रेशन इनवैलिड हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो चैलेंज हो सकता है. सो ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट आके क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है खुद भी कि भैया तुम मर्डर के केस में अवार्ड ले लियो और तुम खुद भी डील कर दे, नहीं ये आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा, ठीक है. सर ये इंपॉर्टेंट है, सुनो इसको, मेरे को 2 मिनट लगेगा समझाने में, सुनना चाहता है. सर देखो ए और बी, एक सेकेंड, चलो अब ये समझाना मेरे को. देखो ए एंड बी दोनों ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, कैन बी वैलिड अपॉइंटमेंट, ठीक है. अब देखो आर्बिट्रेटर जो था ना ए का, वो इंप्लॉय था लास्ट 3 ईयर में, परफेक्ट. अब ए ने है ना, ए ने इसको बता दिया बी को कि देखो भैया ये आर्बिट्रेटर, या मान लो आर्बिट्रेटर नहीं बी को या ए को बता दिया, या ए नहीं बी को बता, क्योंकि बी यहाँ पे ना थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए के साथ ये प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट था, तो कहीं ना कहीं बायसनेस हो सकता है. सुनो, ठीक है, सुनो, सुनते जाओ. ए बी दो पार्टी, दोनों के बीच एक अपॉइंटमेंट ऑपरेटर हुआ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो था वो ए के साथ एम्प्लॉयमेंट था, तो कहीं ना कहीं देखा कि यहाँ पे बायसनेस अट्रैक्ट हो सकता है. बट ए ने बोल दिया कि देखो
बी ये जो सी सी नाम था, सी जो था ना ये हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट में था, क्या तुमको कोई दिक्कत है? बी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सर यहाँ पे ये मत समझना कि बायसनेस होने से वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकता। बायसनेस इज जस्ट लाइक ए टर्म कि बस पता लगना चाहिए बायसनेस कब हो सकता है। अगर बी को कोई दिक्कत ना हो ना तो भैया फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायस हो के भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। बट ए ने डिस्क्लोज कर दिया बी को कि देखो भैया ये प्रीवियस 3 साल में हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट में था इसलिए बायस हो सकता है। तो बी बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम भरोसा ये बंदा बायस नहीं होगा, ठीक है ठीक है। इफ ही केम टू नो एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आर्बिट्रेटर विच वॉज नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज देन आर्बिट्रेशन एजेंट एग्रीमेंट वॉज वॉइड। मतलब सर देखो ये तो बता दिया तुमने कि इम्प्लॉय था लास्ट 3 ईयर में, तो बी को बस इतना पता था कि इम्प्लॉय था, बट आगे जाके पता चला कि ये जो था ना ये इस कंपनी में शेयर होल्डिंग भी किया हुआ है 50 लाख का। तो भाई ये कहाँ बताए थे तुम बी को? तो वही बात है, इफ ही केम टू नो, ही मतलब बी केम टू नो एडिशनल ग्राउंड, मतलब एडिशनल ग्राउंड कौन सा? अब पता चला फाइनेंशियली इंटरेस्ट वाला। ये कब बताए थे? तो सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेटर बायस्ड होके भी अपॉइंट हो सकता है इफ सारा चीज तुम डिस्क्लोज कर दो और वो मान ले, तब वो बायस्ड वाला भी हो सकता है। बट तुमने क्या बताया, तुमने इसमें एम्प्लॉय बताया, बट बाद में पता चला बी को वो तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी था, तब ये हो जाएगा वॉइड, ठीक है। तो देखो बायस्ड हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बायस्ड हो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने बी को बता दिया बी हाँ बोल दिया तो बायस्ड होने में दिक्कत नहीं है, बट सारे ग्राउंड्स बता दो। आगे जाके कोई ग्राउंड्स पता चलते हैं फिर भाई उस ग्राउंड्स के लिए फिर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इफ पार्टी ए डिस्क्लोज द मैटर ऑफ बायसनेस टू पार्टी बी एंड पार्टी बी डज नॉट ऑब्जेक्ट दिस एंड गिवन हिज कंसेंट, देन भाई क्या हो जाएगा, ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। बट बाद में जाके एडिशनल ग्राउंड पर चले, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर चलेगा 50 लाख का शेयर्स, तो भैया वो वाइड हो जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। सर कंसिलेशन सिंपल सी बात नहीं है, 5 मिनट सुन लो। कंसिलेशन क्या होता है? कंसिलेशन मतलब भाईचारा। यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता, यहाँ पे सुपरवाइज होता है। सुपरवाइज मतलब सर दो पार्टी है ए और बी, ठीक है, दोनों लड़ नहीं रहे, बस डिसीजन लेने आ रहे। ए चाहता है कि ब्रिज बने, ठीक है, बी चाहता है रोड बने। अब रोड का पता है किसका आउटफ्लो होने वाला है 50 करोड़ और इनफ्लो आने वाला है 35 करोड़ पर ईयर का। ब्रिज का आउटफ्लो होने वाला है 90 करोड़ और इनफ्लो होने वाला है 45 करोड़। अब ये दोनों ना अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन लेने के लिए दोनों अपॉइंट करते हैं कंसिलेशन को, जो भाईचारे से सब कुछ बैठा के सुपरवाइज करता है। ये कंसिलेशन क्या करता है सर? सुपरवाइज करता है। की पॉइंट याद रखना, आर्बिट्रेशन क्या करता है? सेटलमेंट करता है। कंसिलेशन क्या करता है? सुपरवाइज करता है। ग्रीन में लिखा हुआ है सुपरवाइज। तो अंडर कंसिलेशन द कंसिलेशन सुपरवाइज बोथ द पार्टीज एंड ट्राइंग टू अचीव ए कॉमन डिसीजन, देन ये सुपरवाइज करके बोलता है कि भैया एक कॉमन डिसीजन पे आ जाओ। सो इन कंसिलेशन देयर इज नो विन लॉस सिचुएशन, कोई विन लॉस नहीं होता है, जस्ट लाइक ए सुपरवाइज होता है, भैया कोच है, कोच बस सुपरवाइज कर रहा है, बस अच्छे से कर लो काम, बात खत्म। सर फीचर्स क्या है? वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है, आप खुद से कर सकते हो। ऑल पार्टीज मस्ट, यहाँ भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है सेम एज आर्बिट्रेशन। पार्टी ऑटोनॉमी, यहाँ भी पार्टी ऑटोनॉमी है, राइट टू सिलेक्ट एनी कंसिलेटर एंड प्लेस टाइम जो भी तुम्हें चाहिए, पार्क में डिसाइड कर लो, मूवी हॉल में डिसाइड कर लो, सुरंग खोद के डिसाइड कर लो, छत पर डिसाइड कर लो, टाइम जो डिसाइड करना कर लो, पार्टी ऑटोनॉमी है, कभी भी कर सकते हो, कोई भी कंसिलेशन हो सकता है। एडिशनल नोट्स, नन ऑफ मैटर व्यू सजेशन इज यूज अंडर कंसिलेशन शैल नॉट बी यूज एन एविडेंस इन कोर्ट। अब मान लो सर कोर्ट है, कोर्ट ने बोला कंसिलेटर को कि भाई तुमने जो भी डिस्टेंस या एविडेंस मिले ना मेरे को पेश करो, भैया कोई कुछ नहीं पेश होगा, कोई भी मैटर या कोई भी व्यू, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर ए और बी ने कंसिलेटर को अपॉइंट किया ना, कंसिलेटर को ए और बी ने कंसिलेटर अपॉइंट किया, डेट इज सी अपॉइंट किया ना, तो ये कंसिलेटर कोई भी मैटर नहीं डिस्क्लोज करेगा कहीं भी कोर्ट को भी, क्योंकि ये सारा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो कोई भी मैटर व्यू सजेशन जो कंसिलेशन के अंदर यूज हुआ है ना वो कहीं भी यूज नहीं होगा, ना तो आर्बिट्रेशन में यूज होगा। आर्बिट्रेटर मान लो कंसिलेशन कुछ फैसला नहीं निकला, अब मान लो पॉइंट हुआ डेट इज डी, डी बोलेगा सी को भैया तुमने कंसिलेशन किया है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना, नहीं दिखाएगा ना कोर्ट को दिखाएगा ना आर्बिट्रेशन को दिखाएगा, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, कितने कंसिलेटर अपॉइंट हो सकते हैं? सर 1 से लेकर 3 तक के बीच में, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 यहां पे डिराइव किया हुआ, 1 2 3 दो भी हो सकता है यहां पे, ठीक है सर। आर्बिट्रेशन में सर इवन नंबर नहीं होगा, कंसिलेशन में 1 से लेकर 3, 1 मिनिमम मैक्सिमम 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम, क्योंकि 1 तो होना ही है, ठीक है। व्हेन कंसिलेशन कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, अगर कंसिलेशन चल ही रहा है, पार्टीज कैन नॉट स्टार्ट आर्बिट्रेशन। मान लो ए और बी ने एक कंसिलेटर अपॉइंट किया डेट इज सी, अब ये सी चल ही रहा है और ए बी चाहते हैं एक काम करते हैं ना मिस्टर डी अपॉइंट करते हैं, आर्बिट्रेशन भी कर देंगे हमारा, तो नहीं भाई। तो व्हेन कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन पार्टीज कैन नॉट स्टार्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और अप्रोच द कोर्ट फॉर सेम डिस्प्यूट, या मान लो ए बी चाहते हैं चलो कोर्ट चल जाते हैं, नहीं भाई पहले कंसिलेशन खत्म करो फिर आगे डिसीजन लेना, ठीक है। और सिंपल सर लास्ट बात, अ पर्सन कैन नॉट बी आर्बिट्रेटर ऑन कंसिलेशन एट सेम डिस्प्यूट। मान लो ये सी है, सी कंसिलेशन था, कंसिलेटर था, ठीक है,
अब ये कंसलेटर हट गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, नहीं डिसीजन आया। अब ए और बी बोला है कि सी को तू ही आर्बिट्रेटर बन जा, ना भाई ना। तो सी अगर कंसलेटर बन चुका है तो भैया वो आर्बिट्रेटर दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल छोटे पॉइंट से फिर से रिवाइज करते हैं कंसलेशन को। कंसलेशन क्या होता है, सिंपल से बात, भाईचारा होता है, यहाँ पे सुपरवाइज करता है। फीचर्स क्या हुआ, वॉलंटरी प्रोसेस है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, पार्टी ऑटोनॉमी, राइट टू सिलेक्शन, प्लेस, टाइम, कुछ भी है। एडिशनल नोट क्या है कि जो भी कंसलेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फोल्डर्स कुछ भी यूज हुए होंगे ना, वो ना कोर्ट यूज करेगा ना आर्बिट्रेटर यूज करेगा एज एविडेंस, ठीक है। कंसलेटर एक से लेकर तीन तक बीच में, व्हेन कंसलेशन प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रहा है, मान लो ठीक है चल रहा है, तो उस बीच में तुम आर्बिट्रेशन प्रोसेसिंग नहीं जा सकते ना तो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। पहले कंसलेशन खत्म करो फिर जाओ। सर सेम पर्सन मिस्टर सी करके, मिस्टर घनश्याम करके कोई पर्सन थे, वो कंसलेटर अपॉइंट हुए थे। अब वो पार्टी ए और बी चाहता है मिस्टर सैमी क्या हो, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो, नहीं होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। कम टाइम में अच्छे खासा डिवीजन कर लिया भाई, बहुत है, आराम से करके जाओ, बन जाएगा तुमसे। मेन वो याद रखना टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर क्लॉज, सबमिशन एंड अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट भाई, सब्सक्राइब कर दो या चैनल शेयर कर दो, एग्जाम टाइम आ चुका है, सबको फायदा मिल रहा है, हम लोग भी सीरियल सीरीज पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो ठीक है, नोट्स के लिए बता देना, अगर चाहिए तो अभी भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप कलरफुल नोट्स प्रिंट निकलवा लो, कलरफुल नोट्स पढ़ो रिवीजन टाइम, ठीक है। जो भी करेक्शन होगा मैं नोट्स के साथ कराता रहूंगा, क्योंकि हैंड टेड नोट्स है यार, थोड़ा करेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो इट्स ऑल अबाउट 45 डेज की मेहनत और है। चलो थोड़ा थोड़ा ना सुनते रहो, अंदर से मोटिवेशन फील होते रहेगा, जरूरी है। लास्ट के 45-48 डेज में मिक्स फीलिंग आएगी, सब आ रहा है, सब नहीं आ रहा है, बहुत कुछ लगेगा कि बहुत कुछ आ भी रहा है, बहुत कुछ नहीं भी आ रहा है, पर ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे रखो, हो जाएगा, आराम से होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम लगाते हैं, 10 मिनट में आर्बिट्रेशन का अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे। चलो सर कुछ MCQ देख लेते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर पार्टनर्स इन एक्स वाई जेड फॉर्म। द फॉर्म्स मेड एन एग्रीमेंट इन रिटर्न टू रिफर अ डिस्प्यूट बिटवीन देम इन बिजनेस टू एन आर्बिट्रेटर। इन स्पाइट ऑफ दिस एग्रीमेंट मिस्टर बी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट मिस्टर ए, मिस्टर सी। भाई जब एग्रीमेंट बना ही लिया कि तुम आर्बिट्रेशन में जाने वाले हो तो मिस्टर बी अकेले कैसे चले जाओगे? तो भाई मिस्टर बी अकेले नहीं जा सकता है, सब साथ में जाएंगे अगर साथ में आर्बिट्रेशन बनाया तो नो, it cannot be admitted by court as a judicial court is outside because of existence of valid arbitration agreement, ठीक है। तो सब साथ में जाएंगे, ठीक है। अब देखो मार्च 18 का था, इसमें देखो मैं समरी बताता हूं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा 1.5 डेज का। चलो ठीक है डिस्कस करता हूं। रमन गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एंटर्ड टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उन्होंने बोला कि अब जो भी डिस्प्यूट होगा मटेरियल रिगार्डिंग, हम वो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है। सब कुछ हुआ, अब क्या हुआ, रमन क्या किया, फेल टू मेक डिलीवरी ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रेसेस। रमन क्या किया, रमन गारमेंट्स का हुआ था एग्रीमेंट हुआ था, उसने बोला कि जो भी होगा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, रमन ने क्या किया, रमन फेल हो गया सप्लाई करने के लिए, ठीक है। मिस्टर एक्स ऑलरेडी मेड रमन गारमेंट्स मैन्युफैक्चर अवेयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन एडवांस। अब एक्स अवेयर था कि मिस्टर एक्स जो था वो बहुत अवेयर था कि उसको रमन का सामान आएगा, वो एडवांस में फिर सप्लाई करेगा। अब एक्स को घाटा हो गया रमन ने नहीं दिया तो रमन गारमेंट्स गेट वॉज नॉट एबल टू मीट द सेड ऑर्डर विद इन टाइम दे टू प्ली ऑफ द टेप पायर टू प्रॉपर्टी इन द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अब देखो रमन ने अपना ऑर्डर नहीं कर पाया तो एक्स क्या किया, उसके प्रॉपर्टी वहां पे जाके आग वग लगा दिया, सब कुछ प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ कर दिया, चोरी वोरी कर लिया। तो द सेड मैटर वॉज रेफर टू आर्बिट्रेशन। सर सेड मैटर कौन सा, सर वो आग लगाने वाला। अब आग लगाने का मैटर जा रहा है आर्बिट्रेशन, बस स्टेट द वैलिडिटी ऑफ सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट डिस्प्यूट ऐसे ऐसे। भैया आग लगाने वाला इलीगल मैटर्स होते हैं, तुम्हें आर्बिट्रेशन जाना है, डिस्प्यूट जाना है तो डिस्प्यूट करो, तुम आग लगाने का मैटर को आर्बिट्रेशन लेके जा रहे हो, नहीं ये सब कोर्ट कचहरी का चक्कर है, ठीक है। तो याद रखना एज पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिस्प्यूट प्रपोज टू आर्बिट्रेशन मस्ट बी आर्बिट्रेटेबल, इन अदर वर्ड्स लॉ मस्ट परमिट आर्बिट्रेशन मैटर ओनली व्हिच आर कैपेबल ऑफ आर्बिट्रेशन। देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट दैट लॉ
एग्जैक्टली फॉर द कोर्ट, बहुत सारे डिस्प्यूट्स कोर्ट के लिए। अब यहाँ पे क्या किया इसने, प्ली मतलब उसमें आग वाग लगा दिया, ठेप कर दिया, सामान नहीं मिला तो गुस्से के मारे, अब वो आग लगा दिया, उसके रिगार्डिंग तुम आर्बिट्रेशन जाओगे? नहीं भाई, कोर्ट जाओ, कोर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन द सबमिट डिस्प्यूट बिफोर आर्बिट्रेशन इज नॉट आर्बिट्रेटल, आर्बिट्रेबल मतलब वो आर्बिट्रेटर लाइक है ही नहीं, एज दे आर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल नेचर, अब आग लगा रहे, चोरी कर रहे, ये सब क्रिमिनल नेचर है, तो सच टाइप डिस्प्यूट इज ट्राइड बाई कोर्ट फॉर प्रॉपर जुडिशन, ये सब क्या होंगे, कोर्ट डील करेगा या आर्बिट्रेशन नहीं डील करेगा। ठीक है, सब मार्च 18 क्वेश्चन में 2D1, ठीक है, 3 मार्क्स आया था। देखो क्या था, मिस्टर MS राजकुमारी लॉन्च हर बोटेक, ठीक है, सी कॉन्ट्रैक्टेड विद MS श्यामलाल मर्चेंट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रेस मटेरियल, द कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज वेयर ओवर ईमेल, देयर वाज अ टर्म ऑफ सर्विस बिटवीन द पार्टीज कंटेंट, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी डिलीवर सबमिट टू आर्बिट्रेशन कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर इफ अबव टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीएबल टू यू, मतलब सर बोल दिया कि देखो सारा मैटर आर्बिट्रेशन जाएगा, यहाँ यहाँ जाएगा, सब कुछ मेल पे लिखा होता है, उसी हिसाब से आप, मान लो ए था, मान लो ए और बी में हुआ, ए ने बी को मेल किया कि देखो कोई भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन जाने वाले हैं, तुम अपना ऑर्डर तभी प्लेस करो जब तुम्हें लगे कि हाँ वैलिड है, तो भैया मिस्टर राजकुमारी प्लेस एन ऑर्डर, अब MS राजकुमारी प्लेस एन ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर, अब राजकुमारी ने प्लेस कर दिया ऑर्डर, मान लो उसको लगा होगा हाँ ठीक है, उसने वैलिड कंसेंट दे दिया अपना, तो सर कंसेंट हमेशा रिटर्न साइन करके भी नहीं होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, मान लो मेरा मैं साहिल हूँ, मैंने लिखा किसी को मेल ये काम करो, आप ऑडिट की फीस ऐसे से उठाओगे, मैंने मेल किया कि हमारे रिइंबर्समेंट ऐसे से करेंगे, आप तभी मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दो जब लगे आपको लगे कि हाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हाँ ठीक है आप कर सकते हो, तो भैया मान लो कहने मतलब उसने अपना एक्सेप्टेंस कर दिया ना, तो यहाँ भी ये भी चीज होता है, देखो मेल पे जरूरी नहीं हमेशा साइन करके आए आर्बिट्रेशन, अगर आपने लिख दिया ना कि प्लीज प्लेस योर ऑर्डर इफ अबव टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीटेबल टू यू, तो अगर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया मतलब कहने मतलब उसके पास वो अबव जो भी एग्रीड मेल था वो कंफर्म कर रहा है, तो भैया ठीक है आर्बिट्रेशन परफेक्ट है, क्योंकि हर बार साइन पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, आपने मेल को प्लेस कर दिया ऑर्डर, मेल पढ़ा होगा तभी तो आपने प्लेस किया ऑर्डर को, और आप जान रहे हो ठीक है आर्बिट्रेशन जाने वाला है, तो एज पर द आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 एन आर्बिट्रेशन मस्ट बी रिटेन, तो देयर इज अ हाउ नो रिक्वायरमेंट फॉर द सेम टू बी रिटेन इन वन डॉक्यूमेंट, कोई टेम्पलेट नहीं होता है, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टेम्पलेट फॉर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, द कम्युनिकेशन ओवर ईमेल ऑफ द टर्म सिंस इज अ प्रॉपर वैलिड, ईमेल पे वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है, एंड हैव स्टूड अफर्म बाय द रीजन ऑफ देयर कंडक्ट देयर वुड बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटेन, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, ठीक है चलेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना। ठीक है, कुछ को क्वेश्चन डील करते हैं जो इजी वाला है। अब देखो मैंने क्या बोला, स्मार्ट ऑटोमोबाइल लिमिटेड एंड अपेक्स फोर व्हीलर्स लिमिटेड इंटर इनटू एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनुअल मेंटेनेंस सर्विस टू प्रोवाइड बाय स्मार्ट एज अ व्हीकल इतना 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 फॉर 5 years, द एग्रीमेंट वॉज कंटेनिंग ए क्लॉज, एग्रीमेंट में क्लॉज था, मतलब ये आर्बिट्रल क्लॉज हो गया प्रिंसिपल एग्रीमेंट, इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट बोथ द पार्टीज द मैटर वुड बी सबमिट टू आर्बिट्रेशन, सर अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन आ रहा है, ये कौन सा क्लॉज है, ये हुआ आर्बिट्रल क्लॉज, हमने दो टाइप के एग्रीमेंट देखे थे, दैट इज आर्बिट्रल क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रल क्लॉज में क्या होता है जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कोई भी डिस्प्यूट होगा तो मैटर कहाँ जाएगा, वो मैटर जाएगा आर्बिट्रेशन के पास, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, डिसाइड विद, अब क्या हुआ, द मैटर वुड बी सबमिट टू आर्बिट्रेशन एट द एंड ऑफ 5th ईयर द सर्विस वॉज नॉट रिन्यूड, अब देखो 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए ही था और 5 साल बाद ये कंप्लीट हो गया, अब रिन्यूअल कराओ ना कराओ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सब ब्रीच हुआ नहीं, डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आर्बिट्रेशन भी खत्म हो गया, ठीक है। डिसाइड वेदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज टर्मिनेटेड, नहीं भाई टर्मिनेटेड खत्म हो गया ना, टर्मिनेटेड, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द अदर ग्राउंड्स, ऑल अदर ग्राउंड्स क्या थे, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टी अपने म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर सकती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यही वाला क्वेश्चन था, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, 5 साल तक ही था, उसका रिन्यूअल कराया ना कराया उसके लिए अलग से बनेगा, बट 5 साल तक तुमने कोई डिस्प्यूट नहीं किया ना, तो आर्बिट्रेशन भी खत्म हो गया, डिस्प्यूट करते तो आर्बिट्रेशन जिंदा रहता, ठीक है, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स एंड अलॉन्ग विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, ठीक है। देखो RTP, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत घूम रहा है, एग्जाम में आने के चांसेस हाई है, ऐसे क्वेश्चन लगातार 3 मिलेंगे नीचे भी, ठीक है। ऑन 1st अप्रैल 2016 अर्नॉल्ड फूड प्रोसेस लिमिटेड कंपनी इंगेज इन फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, सर कौन सा एग्रीमेंट, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, ठीक है सर, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है, विथ रॉनी एंड कोलमन कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है सर, एग्रीमेंट कैरीज द टर्म, एग्रीमेंट में ही लिखा था, एग्रीमेंट में लिखा था कैरीज द टर्म दैट ऑल डिस्प्यूट्स
शैल बी आर्बिट्रेटेड ऑल डिस्प्यूट्स, ठीक है, ऑल डिस्प्यूट्स शैल बी आर्बिट्रेटेड। एग्रीमेंट देखो, ज्वाइंट एग्रीमेंट जो ज्वाइंट एग्रीमेंट था ना उसमें ही लिखा था, देखो एग्रीमेंट कैरीज, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था डेट ऑल डिस्प्यूट शैल बी आर्बिट्रेटेड इन दिल्ली। सारा एग्रीमेंट कहाँ होगा? दिल्ली में। तो इन द लाइट ऑफ आर्बिट्रेशन कंसलेशन एंड डिस्कस द टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन घूमेगा इस पर। सर कौन सा एग्रीमेंट होगा? मैंने बोला दो टाइप एग्रीमेंट होगा, दैट इज सबमिशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट। तो सर ये कौन सा? ये है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्लॉज। देखो पहले समझा दिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक एग्रीमेंट। पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। क्लॉज का टेम विद द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज अंडरटेक टू सबमिट डिस्प्यूट्स इन रिलेशन टू कनेक्ट विद प्रिंसिपल डिमांड इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में आएगा पहले ही हम बता दिए आर्बिट्रेशन जाने वाले, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता कोर्ट जाने का। जबकि दोनों पार्टी मान, जब तक दोनों पार्टी मान ले कोर्ट जाना तब तक जा सकते हो, अदरवाइज एक पार्टी नहीं जा सकता। सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है? जब डिस्प्यूट हुआ तब हम जाके एग्रीमेंट बनाते हैं, दैट इज सबमिशन एग्रीमेंट। यहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह से प्री होता है, पहले ही हम बना दिए कि जो भी डिस्प्यूट होगा हम उसको आर्बिट्रेटर लेके जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो सर इट देखो, इन द फर्स्ट केस द एग्रीमेंट ऑलरेडी कैरीज, एग्रीमेंट पहले ही से था कैरीज दैट ऑल डिस्प्यूट शैल बी आर्बिट्रेटेड इन दिल्ली एट अ टाइम ऑफ एंटरिंग और जॉइनमेंट ऑफ दिस शुड बी आर्बिट्रेटर क्लॉज। सर ये क्या हो गया? आर्बिट्रेशन क्लॉज। पहले दोनों बता दिया फिर बता दिया, ये होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है, ठीक है। इट इज अ कंटेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एंड नो डिस्प्यूट हैव अराइज़न टिल इट। अब बता दो लास्ट में क्या बोल दिया, फिर बोला सेकंड एग्जांपल, एग्जामिन दैट व्हाट हैपेंड इफ द एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी क्लॉज। अब बोला कि इस एग्रीमेंट में कोई क्लॉज था ही नहीं, तो अब डिस्प्यूट हुआ तब कहा कि कौन सा एग्रीमेंट बनेगा? तो भैया तब बनेगा सबमिशन एग्रीमेंट, ठीक है, डिस्प्यूट होने के बाद सबमिशन एग्रीमेंट, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं था तो, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या है, आरडीपी का क्वेश्चन। इन 2016 कंपनी अमर फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंटर टू जॉइंट वेंचर विद यूसा द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोसेसर फॉर सप्लाई ऑफ पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, इतना इतना। बोथ द कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन द एग्रीमेंट कैरीज। देखो वर्ड याद रखना, एग्रीमेंट कैरीज मतलब एग्रीमेंट के अंदर ही बात थी दैट डिस्प्यूट शैल बी आर्बिट्रेटेड इन मुंबई। तो भैया कौन सा एग्रीमेंट हुआ? ये हुआ आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है। पहले दोनों बताने पड़ेगा, देखना क्वेश्चन ऐसा आएगा तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है। टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, टू टाइप्स, एक होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, एक होता है सबमिशन एग्रीमेंट। दोनों बताओ, ज्ञान दो, फिर बोलो इन दिस केस द एग्रीमेंट शैल इतना इतना, then it is contained in a joint venture agreement। पहले से एक agreement में लिखा हुआ था कोई भी dispute होगा तो यहाँ जाने वाले, इसलिए क्या होगा? एक arbitration clause होगा। It concern future SSR, ठीक है? Then it would be an arbitration clause, ठीक है? पक्का? ठीक है। ये वही वाला question है। Please place your order if the above terms and condition। हाँ भैया हम order place कर दिए, हम मान लिए कि आपने ऊपर जो बातें लिखी थी वो सही है, भले हम साइन नहीं करें। तो हमेशा नहीं है कि, हमेशा नहीं है कि ऐसे करके एकदम साइन होगा, नहीं। अगर उसमें लिखा हुआ है कि हर मैटर आर्बिट्रेशन जाने वाला है, आर्बिट्रेशन दिल्ली में जाने वाला है, आप तभी ऑर्डर प्लेस करिए जब आप ऊपर की बातों को सहमति दे रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया 500 टन का, तो हम मान रहा कि मैं, ठीक है, मैंने म्यूचुअल कंसेंट, मैंने अपना कंसेंट दे दिया है इनडायरेक्टली वे में, तो भी एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा दिया हुआ है, ठीक है। आरडीपी 19 का क्वेश्चन देखो, इन 2016 अमर फूड प्रोसेसर बोथ द कंपनीज एग्रीमेंट कैरीज, एग्रीमेंट फिर से कैरीज कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये आर्बिट्रेशन क्लॉज हो गया, ये पढ़ा हुआ है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हाउ इंपॉर्टेंट आर द आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंपैरिटेबिलिटी इन आर्बिट्रेशन। इज द आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी टू द पार्टीज? यस, सब बाइसनेस पता करने के लिए आर्बिट्रेटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। द आर्बिट्रेटर आर अंडर ड्यूटी ऑफ ड्यूटी है, इसका ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर बड़े थे सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यूनिटेटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, डिस्क्लोज एनी रिलेशन विद पार्टीज और देयर लॉयर दैट माइट गिव राइज टू जस्टिस डाउट्स एट द एंड, ठीक है। इस मेंबरशिप ऑफ द सेम स्पोर्ट्स कंपनी एज वेल द पार्टीज प्रॉब्लमेटिक, यस कभी कभी हो सकता है प्रॉब्लमेटिक कर सकता है बाइसनेस को लेकर, ठीक है। सर ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, कैन एन आर्बिट्रेटर डिजाइन अंडर अ कॉन, मान लो ए और बी ने सी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, अब मान लो ये रिजाइन करना चाहता है तो क्या रिजाइन कर सकता है? बट कोई रीजन ना बताए कर सकता है, बिना रीजन बताए रिजाइन करके जा सकता है, ठीक है। तो एन आर्बिट्रेटर कैन रिजाइन व्हेन दे वांट, जब भी वो चाहे, विदाउट गिविंग एनी रीजन। अब क्वेश्चन आ सकता है, सी है ना रिजाइन करके भाग गया और सी ने अपना रीजन नहीं बताया, क्या ये गलत है? नहीं भाई, वो जा सकता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, वो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रिजाइन मार दो, अब तुम रीजन भी नहीं बताओ, ठीक है। तो व्हेन दे वांट विदाउट गिविंग रीजन, ये की वर्ड याद रखना, विदाउट गिविंग रीजंस, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे और आया भी है, दिस एक्शन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सी तुम्हें जाना है जाओ, तुम रीजन मत बताओ, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको धमकी दे रहा होगा, भाई छोड़ दे आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो अब सी जा सकता है बिना कोई रीजन बताए, ठीक है, चलो परफेक्ट, याद हो गया होगा।
ठीक है, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर इफ अबव टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो देख रहे हो वो ईमेल वाला बात कितना घूम रहा है और आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट की बात कितनी घूम रही है। तो वही क्वेश्चन है कि भैया देखो बता दिया एक्स वांट टू स्टार्ट अ बेकरी, एक्स कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल, ईमेल रिटेन होता चलेगा, ठीक है। ऑन ईमेल देयर वाज अ टर्म सर्विस बिटवीन कंटेनिंग दैट एनी डिस्प्यूट, ईमेल में लिखा हुआ था एनी डिस्प्यूट करंट सर्विस सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर। हाँ ठीक है, हम पढ़ रहे मेल पढ़ रहे तभी हम प्लेस कर रहे ऑर्डर, अगर ऑर्डर प्लेस हो गया तो मान लेंगे रिटेन में था, हमने कंसेंट भी दे दिया। देखो आरटीपी, एक सेकंड, ठीक है चलो कुछ क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं। मिलन लिमिटेड इंटर इनटू एग्रीमेंट विद विनर लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ कॉन्फेक्शनरी बिस्किट्स एंड अ केक फॉर 5 years, ठीक है। द आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर द एग्रीमेंट स्टेट दैट ऑल डिस्प्यूट सर्विस सबमिट टू आर्बिट्रेशन, आफ्टर अ पीरियड इट वाज फाउंड दैट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, भाई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया बाद में आगे पता चला, तो क्या यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। सर देखो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज अलग थिंग, आर्बिट्रेशन इज अलग थिंग। अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है। बट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट भले इनवैलिड हो जाए, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट भले ब्रीच हो जाए, आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा। तो भैया आर्बिट्रेशन ही चलता रहेगा, ठीक है। देखो द आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द प्रिंसिपल एग्रीमेंट ऑल्सो स्टैंड इनवैलिड ड्यू टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड, ठीक है। द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट फॉर द प्रिंसिपल एग्रीमेंट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड बिकॉज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वॉज इनवैलिड। तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये दोनों देख लेना, दोनों ही होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन शैल बी एक्साइज ओनली इफ जुडिशियल ऑथोरिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। द आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द प्रिंसिपल एग्रीमेंट स्टैंड वैलिड ओनली टिल द प्रिंसिपल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन अलग थिंग, प्रिंसिपल इज अलग थिंग। प्रिंसिपल भले ही मर जाए, आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा। बट प्रिंसिपल सेटिस्फाइड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आर्बिट्रेशन खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मैं बोला कंप्लीट हो जाए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा था जो मैंने अभी लास्ट में करेक्शन करवाया है। व्हाई वर्चू ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मिस्टर सी एंड मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर पी मैटर बिटवीन देम, दोनों मैटर हुआ, बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। एंड टू ऑफ द अमोंग आर्बिट्रेटर, देखो दो आर्बिट्रेटर ने बोला कि हाँ ठीक है, ओपिनियन दिया कि इसके साथ जाएंगे। सुनो दो आदमी मैटर हुआ, मिस्टर सी एंड पी में मैटर हुआ, जिसमें टोटल 3 आर्बिट्रेटर पॉइंट हुए। देखो मिस्टर सी हैज टू पे कंपनसेशन ऑफ 2 करोड़, सी को पे करना था 2 करोड़ रुपया पी को, ठीक है, सी को पे करना पड़ा 2 करोड़ रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेटर ने बोला कि सी को पे करना है 2 करोड़ रुपया, दो आर्बिट्रेटर ने बोला सी को क्या करना है, पे करना है 2 करोड़ रुपया। बट इसमें एक आर्बिट्रेटर था, दैट इज मिस्टर पी, नहीं सेकंड, द थर्ड आर्बिट्रेटर मिस्टर बी इज नॉट, अब देखो तीसरा आर्बिट्रेटर था, दो आर्बिट्रेटर बोला सी को पी को पे करना है, बट तीसरा आर्बिट्रेटर बोला कोई कंपनसेशन नहीं पे करना है, फिर क्या करना होगा। अब वो रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, देन क्या होगा, देन कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि आर्बिट्रेशन में मेजोरिटी डिसीजन होता है। भैया 3 आर्बिट्रेटर है, 2 ने बोल दिया पे करना है, 1 मना कर रहा है, कोई बात नहीं, 2 की डिटेन ले लो, खत्म करो मैटर को। तो अकॉर्डिंग सेक्शन इट रिक्वायर्स दैट आर्बिट्रल अवार्ड टू बी इन रिटन एंड हैविंग द सिग्नेचर ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। तो सर 3 थे, 2 ने बोला कि पे करना है तो पे करना है, मेजोरिटी यही बन गया, इसलिए आर्बिट्रेटर हमेशा इवन नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा साइन नहीं भी करे तो भी चलेगा, ठीक है। देयरफॉर The law requires majority of arbitrator to sign the law. However, requires the award to note why the signature of arbitrator was missing. In the बस missing बस note कर लो क्यों वो नहीं करने वाला बस. In the instant case, the arbitral award is written and signed by 2 arbitrators along with fact or reason, so the award is valid. Valid रहेगा, कोई बात नहीं, third नहीं करे तो. However, the contention see that arbitration did not sign the award is valid is not tenable. ऐसा कुछ नहीं है, tenable रहेगा, ठीक है. अब देखो ये question देखो कितना बड़ा लग रहा है दिखने में, कितना बड़ा लग रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा, मैं सोचा यार ये प्रैक्टिकल कहाँ दे दिया, ये 1,85,000 ESS है, जब लास्ट में पढ़ा ना यार, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वेयर द मैटर कैन बी रिफर टू आर्बिट्रेशन, बोल रहा है कि सुनो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हुई थी, जॉन इज राइटर था, इसका कोई एग्रीमेंट हुआ रॉयल्टी का, सुनो उसी एग्रीमेंट में कंटेंस था क्लॉज दैट डिस्प्यूट होने बाद मैटर कहा जाएगा आर्बिट्रेशन, उसी मैटर कंटेंट था। तो क्या अब आर्बिट्रेशन के हमें एक सेपरेट से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं, आप चाहो तो प्रिंसिपल मैटर में भी वो कंटेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, तो सेपरेट एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज सफिशियंट दैट इफ ए क्लॉज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इटसेल्फ वो मैटर जा सकता है, परफेक्ट, ठीक है। अब सुनो, इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इट वाज मेंशन दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट द मैटर मे बी रिफर टू आर्बिट्रेशन एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिशर, सुनो यहां लिखा हुआ था द एग्रीमेंट ऑल्सो कंटेन्स ए क्लॉज दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट द मैटर मे बी रिफर टू आर्बिट्रेशन एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिशर, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सोल डिस्क्रिप्शन का नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए,
आर्बिट्रेशन जाना है तो क्लियर रखो, वैग मत रखो और एम्बिग्यूटी मत रखो। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे है उसके पब्लिशर पे, तो भैया ये आर्बिट्रेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा वो डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, हमने पढ़ा था ए बी सी है तो सी चाहेगा तो भाई चाहेगा, यहाँ भी पब्लिशर चाहेगा, चाहेगा क्या होता है, अगर जाना तो क्लियर करो, वैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इफ द पब्लिशर डू नॉट वांट टू रिफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन देन नो रिकोर्स इज अवेलेबल टू अदर एक्सपेक्ट टू मूव टू सिविल कोर्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, क्लियर करो, मे बी रिफर टू आर्बिट्रेशन, पब्लिशर पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं मैं, क्यों बोला एमटीपी इंपॉर्टेंट, लास्ट का दो मिनट सुन लो सर। देखो ये एमटीपी क्वेश्चन था, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक बार कर देना, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे इसने हिंट दिया था, देखो क्वेश्चन एमटीपी 21 नवंबर 21 मतलब दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर से, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना क्वेश्चन में था, देखो हाउ वेयर नो स्टे एप्लीकेशन वॉज मेड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑर्डर टूल्ड देयर इज ऑटोमेटिक स्टे ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन द अवार्ड ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन सेक्शन 34। सो ऑटोमेटिक स्टे का ऑर्डर था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है नो ऑटोमेटिक स्टे, ठीक है। अकॉर्डिंग से कहता है देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे ऑन द वेयर द एप्लीकेशन सेट असाइड आर्बिट्रेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टे आ रहा था कहीं ना कहीं, देखो सर क्वेश्चन नंबर 4B में कहीं ना कहीं आपसे ऑटोमेटिक स्टे बारे पूछा था, इस डॉट में सेवन इन्फॉर्मेशन आर्बिट्रेशन अवार्ड शैल बी ऑपरेटिव चैलेंज। तो यही मैं बोलना एमटीपी करके जाओ, हिंट मिल जाता है आपको सर, 5-6 नंबर आपको बच जाएगा, और यही रैंकर्स और एक अटेम्प्ट पास करने का राज यही होता है, वो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। ऐसे ही आपको 10 नंबर बोनस देगा हर पेपर में, 5 नंबर है उसके, एमटीपी आरटीपी देख के जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर गया ना, ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता, स्टे के अप्लाई करना पड़ ठीक है, ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता, ठीक है। नवंबर 22 एमटीपी का क्वेश्चन था कि कंसिलेटर कौन होता है, और इन दिस गिवन से केस हाउ द टू कंसिलेटर अपॉइंटेड बाय ईच ऑफ देम विल एड्रेस द मैटर, मतलब सिंपल सी बात है दो कंसिलेटर कैसे इस मैटर को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो देयर शैल बी वन कंसिलेटर अनलेस द पार्टीज, देखो मिनिमम एक होता है, अनलेस पार्टी चाहे तो दो कर सकता है, पहले ये बता दिया, ठीक है। व्हेन देयर इज मोर देन वन कंसिलेटर, तो एक कंसिलेटर क्या बोलेगा, दूसरा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा अपने पार्टी से, उसको देखेगा, थर्ड वाले पार्टी को फॉरवर्ड करेगा, मतलब देखो ए बी दोनों ने एक कंसिलेटर अपॉइंट किया, ये क्या करेगा, ये इससे डॉक्यूमेंट लेगा पढ़ेगा, इसको देगा, इससे डॉक्यूमेंट लेगा पढ़ेगा, इसको देगा, वही पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ द टू कंसिलेटर अपॉइंटमेंट ईच ऑफ देम विल एड्रेस द मैटर, कैसे काम करेगा कंसिलेटर। तो व्हेन देयर इज मोर देन वन कंसिलेटर, ठीक है, जनरल रूल क्या है कि एक्ट करना है, जॉइंटली काम करना है, बट बोला फर्दर प्रोसेस कैसे होगा, वंस द कंसिलेटर हैव बीन अपॉइंटेड बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्टेटमेंट इन रिटन, सप्लाई डॉक्यूमेंट्स करेगा, एविडेंस करेगा कंसिलेटर, ये करेगा, मतलब कंसिलेटर काम कैसे करेगा उसके बारे में बता दिया गया सर, करके जाना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कंसिलेटर में लग रहा है आने का चांसेस है, एमटीपी में घुमाया था पिछले बार, ठीक है। तो हो सकता है पूछ दे कितने कंसिलेटर पॉइंट हो सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक, और कंसिलेटर काम कैसे करता है, द कंसिलेटर इज रिक्वायर्ड टू इनकरेज एंड असिस्ट पार्टी टू इंगेज इन डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, कंसिलेटर क्या करता है, डिसीजन के बारे में इंगेज करता है, सुपरवाइज करता है, इसलिए कंसिलेटर काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मंगाओ, सुपरवाइज करो, 1 से लेकर 3 के बीच में होता है, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए सर, देखो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मेल वाला क्वेश्चन देख लो, मेल वाला क्वेश्चन घूम रहा है, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट क्वेश्चन घूम रहा है, ऑटोमेटिक स्टे का क्वेश्चन एमटीपी में था, इस बार एग्जाम में आ गया, इस बार क्वेश्चन देख के जाना आप लोग आईसीए का, ठीक है। लगभग वही आर्बिट्रेशन क्लॉज का क्वेश्चन मैं देखा था, एमटीपी में था इस बार, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, न्यू हो तो आप फ्रेंड्स से शेयर कर दो, ये रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रहेगी, विद क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ एमसीक्यू भी देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख रहे हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, होगा हम भैया दरवाजा खटखटाएंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के केस में, सुनो अगर मैटर इंटरनेशनल है, मतलब सर ए और बी है ना, और बी बंदा है ना ये रॉबर्ट जर्मनी का है, तो मैटर क्या होगा, इंटरनेशनल, कोई भी एक बंदा या कोई भी एक कंपनी, दो कंपनी में डिस्प्यूट है, एक कंपनी बाहर वाली है, गवर्नमेंट बाहर है, आदमी बाहर का है, सिंपल बात वो क्या होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो हमने अभी देखा है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होते ही याद रखना कि उस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का बंदा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाला है वो कौन अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट, कौन अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होते ही सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डेलीगेट कर सकता है किसी इंस्टीट्यूट को कि आप क्या करो, इस कंपनी का या मान लो इस दो पार्टी बीच में डिस्प्यूट हुआ उसके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, जो कि ICAI, ICSI कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद या सुप्रीम कोर्ट कैन असाइन अदर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, किसी और को असाइन करके दूसरे आदमी को बोल दे कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा दो। सर मैटर डोमेस्टिक है, मतलब ए का नाम था साहिल, बी का नाम था राज, दोनों थे इंडिया, दिल्ली और यूपी के, ठीक है। अब दोनों बीच में डिस्प्यूट हुआ तो मैटर क्या हो गया, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन द आर्बिटर इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। सर मैटर इंटरनेशनल हो जाता तो भाई आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, देखो फंसना मत, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की बात कर रहा हूं,
ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो दो बंदे के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, सेटलमेंट करता है, वो होता है आर्बिट्रेटर। तो इंटरनेशनल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट असाइन करेगा। मैटर डोमेस्टिक हो गया तो भैया क्या करेगा, हाईकोर्ट करेगा या हाईकोर्ट असाइन कर देगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो,